नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। मैं आज आपके सामने क्या बालू के द्वीप पे खड़ा है हिंदू धर्म डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी द्वारा लिखित किताबों आपके सामने रख रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रथम समर्पण। तीन ऋणों में से ऋषि ऋण से अपने को उऋण करने हेतु मेरा यह तुच्छ प्रयास है और वेद के शब्दों में अपने शब्द मिलाकर उनके लिए प्रमाणांजलि प्रस्तुत है, अर्थात उन ऋषियों को नमस्कार हो जिन्होंने मानवता का पथ प्रशस्त किया, जो हमारे पूर्वज थे, जो पूर्वज न होते भी हमसे पहले आए, जो वर्तमान में विद्वान है तथा जो हमारे बाद भविष्य में भी होंगे। विनीत डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी। क्या कहां पर है भूमिका? भूमिका में हम लोग देखेंगे दो विचारधाराएं, निंदा और स्तुति, सनातन धर्म, स्वस्थ समाज की रचना, समाज की उपेक्षा, विदोषी से तुलना, धर्म निरपेक्षता का जन्म, डार्विन की खोजें, हमारे कैसे कैसे प्रश्न, छद्मबद्ध यथार्थ हिंदुत्व, प्रथाओं का परित्याग जरूरत है, पुरातन को जानने समझने की नकारात्मक और सकारात्मक मानसिक कुलीपन, विक्षिप्त हिंदुत्व, संकीर्णतावाद बनाम मानवतावाद है। ये दोस्तों भूमिका आपको 1 से लेकर 13 पेज नंबर पे देखने को मिलेगी। अगला है भारतीय जीवन में पलायनवाद। वैदिक काल में जीवन की जटिलता, गीता का कर्मवाद, पतंजलि का योग, भारत का मुख्य दर्शन, ये आपको 13 से लेकर 43 पेज नंबर पर इन चीजों का वर्णन है। आगे देखते हैं दोस्तों पलायनवाद, अज्ञात का भय, संसार से दूर भागना और बौद्ध धर्म, ये आपको 46 पेज नंबर तक मिलेगा। अगला है जहां नारियों की पूजा होती है। वेदों में यशाचार्य का निरुक्त रामायण महाभारत स्मृति साहित्य पौराणिक साहित्य, ये आपको 49 पेज नंबर तक मिलेगा। अगला है रक्त से सने प्रश्न। किस्सा सुना सेब का, गौ हत्या, पुरुष मेद, बलि प्रथा, मार्गदर्शक की विधि, संहिताएं, मधुपर्क, नदी पूजा के लिए भी मध्य और मांस, महाभारत में मांस भक्षण, स्मृतियों में मांस, पुराणों में मांस भक्षण, तांत्रिक साहित्य में मांस भक्षण, ये आपको 46 पेज नंबर तक मिलेगा। अगला है नरबलि, दो घटनाएं और देवताओं को प्रसन्न करने की रस्म, जगन्य कुकृत, पुरोहितों का दबदबा, मौत का साया, धार्मिक कथाओं का असर, सामाजिक विरोधी प्रचार, पाठ्य पुस्तक के भी जिम्मेदार, हिंदू धर्म और शूद्र, शूद्र को लूट लो, शूद्र के नाम दासांत हो, शूद्र स्पर्श से अपवित्रता, शूद्रों से पशु का मलमूत्र श्रेष्ठ, शूद्रों की हत्या करो, शूद्र हत्या मेंढक मारने के तुल्य है, क्या राम के झूठे बेर खाए, क्या राम ने झूठे बेर खाए। अगला है भारत में दास प्रथा, उपहार के रूप में स्त्रियां कई प्रकार के दास, यातनामय दास जीवन, दासियों का क्रय विक्रय, देवदासी प्रथा आदि। अगला देखेंगे भारतीय संस्कृति और भिक्षावृत्ति। पवित्र धर्म, भिक्षा से प्राप्त वस्तु, भिक्षा मांगना अनिवार्य, वानप्रस्थियों की भिक्षा, सन्यासियों की भिक्षा, अन्य धर्मों में भिक्षा, जीवन निर्वाह के लिए भिक्षा, मनु का निर्देश, खाद्यान्न नहीं धातु आदि भी भिक्षा के प्रति श्रद्धा, कर्ण का दान, वाल्मीकि रामायण में भिक्षा, भिक्षा का महत्व और भिक्षा सामाजिक बुराई। अगला है राष्ट्रीय एकता और हिंदू धर्म। आर्य अनार्य विद्वेष का कारण क्या राष्ट्रीय अखंडता का मूल यही नहीं? आर्यवर्त दक्षिण भारत की निंदा, यात्रा निषेध, पृथकतावाद को बढ़ावा, विदेश की परिभाषा है, संकुचित विभिन्न वर्णों के लिए देश की सीमा, धर्म ग्रंथों में देश विदेश राष्ट्र भावना का अभाव। अगला है प्राचीन भारत में गोहत्या एवं गो मांसाहार, यज्ञ में पशु बलियों के साथ व्यवहार, पशुओं के अंगों को बांटना, गौपथ ब्राह्मण में भी गायों को मारना शुभ, महिधरभाष, बैलों की बलि, वैदिक युग में गोमांसाहार, जुटलाने का असफल प्रयास, एक और पैतरा, धर्म ग्रंथों में हत्या के प्रसंग, जातक युग का हत्यारा, 5वीं सदी से पूर्व। अगला देखेंगे हम प्राचीन भारत में गौहत्या एवं गौमांसाहार की आलोचना और आपत्तियों के उत्तर। पूर्व धारणा से ग्रसित गौधन यानी गौधाती की उपाधि, गौधन का अर्थ गो हत्यारा ही, उपदेश की जरूरत क्या थी, मनोरंजक तथ्य। अगला है सुदूर पूर्व के हिंदू साम्राज्य,
अपवित्र प्रदेश, पंजाब की निंदा, विदेशी समुद्र यात्रा, पहला मत, दूसरा मत, सफलता क्यों, साम्राज्य कहाँ गए। अगला देखेंगे हम भारतीय संस्कृति की कहानी, शब्दों की जुबानी, आर्य पारसी संघर्ष और असुर, बौद्धन अतिथि, ब्राह्मण बौद्ध संघर्ष, भद्र से बद्दा, बौद्ध बनाम बुद्धू। अगला देखेंगे हम हिंदू मंदिर क्यों लुटते रहे। इस्लाम के कारण, धन लोलुपता के कारण, अस्पृश्यता के कारण हिंदुओं द्वारा त्याजित मंदिर या मुसीबत, क्या सतयुग कभी था। युग के सिद्धांत का उदय, ऋषियों की धर्म विरुद्ध आचरण, धर्म की चारपाई, कल्पना की उड़ान, सिद्धांत की प्रमाणिकता मात्र, भारत के लिए सतयुग, तर्क की कसौटी पर सत्ययुगीन, धर्म ग्रंथों की कसौटी पर समृद्ध युग की कल्पना मात्र। प्राचीन भारत में शिल्प और शिल्पी, भारतीय शिल्प का विकास, सच्चाई से इनकार क्यों, शरारत पूर्ण सिद्धांत। अगला है प्राचीन भारत में शिल्प और शिल्पी, आलोचना और आपत्तियों के उत्तर, वास्तविकता से इनकार क्यों, धर्म व्याघ्र बनाम धर्म व्याध, विदुर मतंग, मूल मंत्र में हेरा फेरी, हिंदू धर्म की उदारता, गोमेद यज्ञ, गाय की बलि, अपनी गलती दूसरों के मत्थे, योग की अति प्रशंसा। अगला है आदि शंकराचार्य, पलायनवादी दार्शनिक। इसके बाद है वेदों में विज्ञान, उसके बाद वेदों में विज्ञान और आलोचना और आपत्तियों के उत्तर, प्राचीन भारत में आयुर्विज्ञान। अगला है टेस्ट ट्यूब बेबी और धर्म, हिंदू धर्म ग्रंथ। अगला है प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान, सच्चाई को जुटलाने का प्रयास, दोधारी रणनीति, भविष्यवक्ताओं की पोल, लोगों को मुड़ने का सिलसिला। अगला है सौर मंडल, अब पहले की तरह रहस्यमय नहीं रहा, नौ ग्रह, नकली नौ ग्रह, असली ग्रहों की चाल, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड, उपग्रह, उल्काएं, धूमकेतु। अगला है गंगा आदि नदी और वैज्ञानिक तथ्य, प्रयाग महात्यम, यमुना महात्यम, गोदावरी महात्यम, नर्मदा महात्यम, 1 मीटर में 416 तीर्थ, राजकुमार बनने का नुस्खा, बुद्धि की कसौटी पर दलील में दम नहीं, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में, यमुना आदि गंदी गोदावरी मछली नहीं की जा सकती, पानी में अलौकिक शक्ति, दूसरे जल बीमारियों का घर। अगला देखेंगे हम उपनिषद, क्या ये दर्शन ग्रंथ है। उसके बाद आता है उपनिषद, आत्मज्ञान तथा शब्द जाल। फिर देखेंगे हम रामायण की ऐतिहासिकता। इसके बाद दोस्तों हम आगे देखेंगे महाभारत की ऐतिहासिकता, महाभारत की ऐतिहासिकता, आलोचना और आपत्तियों के उत्तर। उसके बाद वेदों की निंदक गीता, आलोचना और आपत्तियों के उत्तर। फिर आती है पराशर स्मृति की आलोचना और आपत्तियों के उत्तर, मनुस्मृति, ब्राह्मणवाद का षड्यंत्र, रावण और भारत सरकार, आलोचना और आपत्तियों के उत्तर। अगला है रावण लीला, आर्य द्रविण और रावण। फिर है गायत्री मंत्र पे हम लोग चर्चा करेंगे, फिर गायत्री मंत्र की आलोचना और आपत्तियों के उत्तर, गायत्री मंत्र की झूठी महिमा, आलोचना और आपत्तियों के उत्तर, गर्भधान संस्कार, ब्राह्मणों का विकार, बाल विवाह, नामकरण संस्कार, दिवाली और उसकी आलोचना और आपत्तियों के उत्तर, मकर संक्रांति, अश्वमेध यज्ञ, हिंसा और अश्लीलता का तांडव नृत्य, होलिका। अगला है धर्म, हिंदू धर्म और धार्मिक सहिष्णुता, हिंदू धर्म और सती प्रथा। अगला देखेंगे हम हिंदू धर्म, सामाजिक विघटन का मूल। अगला है दहेज और हिंदू धर्म। अगला है प्राचीन भारतीय सेनाओं का मनोबल और हिंदू धर्म। इसके आगे चलते हैं हिंदू धर्म और भारतीय कानून। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों आचार्य आर्यभट्ट, फिर कबीर क्रांति की चिंगारियां, संत B.A. और उनकी जाति तोड़क आंदोलन, अंधविश्वासों के बापू, फिर है ये आयुर्वेदिक औषधियां, हमारी अलौकिक चिकित्सा पद्धतियां, योगा का धोखा, योग कमर तोड़ बोझ, योगासन बनाम रोग उपचार, योगासन की वास्तविकता, यह है राम सेतु कहां से टपका। फिर अगला है दोस्तों उपसंहार, सहायक ग्रंथ सूची के बारे में आपको बताएंगे, आधारभूत ग्रंथ सूची, वैदिक साहित्य, सूत्र साहित्य, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण साहित्य, दर्शन ग्रंथ, व्याकरण शास्त्र, स्मृतियां। दोस्तों ये किताब बहुत बड़ी है, फिर भी मैं आपके सामने ये सभी चीजों को दोस्तों रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अंश में पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, आप जाके उनको देख सकते हैं, पर फिर भी मैं इस किताब में उन सारे टॉपिकों को कवर करने की कोशिश करूँगा। चलिए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम भूमिका से चालू करते हैं।
चलिए दोस्तों, मैक्स मूलर ने 1866 में भविष्यवाणी की थी कि मेरे ऋग्वेद के संस्करण के प्रकाशित होने के बाद पिछले 3000 वर्षों से चले आ रहे हिंदुओं के धर्म की जड़ उखड़ जाएगी और हिंदू शरीर के ही हिंदू रहेंगे, उनके दिलो दिमाग पश्चिमी ईसाई ढंग के हो जाएंगे। मैक्स मूलर साहब चले गए, परंतु हिंदू धर्म अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद अक्षुण चलता जा रहा है। हिंदू धर्म का स्थान ईसाईयत नहीं ले सकी। सब पापड़ बेलने के बाद भी ईसाई भारत की जनसंख्या का मात्र 2.4% है। हिंदू धर्म एक विशाल प्राचीन एवं बारहमासी प्रवाह है जिसके महासागरीय आयाम, परंतु प्राचीनता अपने आप में महान नहीं होती। यदि वह असंवेदनशील हो गई हो, यदि वह जड़ीभूत हो गई हो, यदि वह लाभकारी ही नहीं हानिकारक भी बन चली हो, तो कई बार प्राचीन इमारतों को गिराना पड़ता है। उनके खुद ब खुद गिर जानलेवा सिद्ध होने का खतरा जो बना रहता है। तो क्या मैक्स मूलर ठीक था? यदि वह ठीक होता तो हिंदू धर्म कब का खत्म हो गया होता? वस्तुतः हिंदू धर्म का विराट महाकाव्यात्मक स्वरूप किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या न में देने की अनुमति नहीं देता। मेरी दो पीढ़ियां हिंदू धर्म की सक्रिय रूप से जुड़ी हुई। मेरे पिता शास्त्रार्थ महारथी पंडित अमरनाथ शास्त्री प्रतिवादी भयंकर सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब से संबंध रहे। वे त्यागमूर्ति पंडित गोस्वामी गणेश दत्त के साथ धर्म प्रचार का काम करते और आर्य समाजियों को उससे शास्त्रार्थ करते रहे। स्मरण रहे उनके हाथों को उससे पराजित होकर 1936 में फतेहगढ़ चूड़िया पंजाब में प्रसिद्ध आर्य समाजी विद्वान शास्त्रार्थ महारथी पंडित मनसा राम ने 1875 के सत्यार्थ प्रकाश को मंच पर ही आग लगा दी थी। 1971 में एमए संस्कृत में विश्वविद्यालय में प्रथम रहने के बाद मैं हिंदू धर्म के विविध आयामों का अध्ययन करने में जुट गया और पिछले 35-36 वर्षों से यह क्रम निरंतर जारी है। अगला है दोस्तों, इसमें दो विचारधाराएं। पिताजी प्रचार करते रहे, हिंदू धर्म की सेवा का उनका तरीका था। उनके लिए जो कुछ ही पुराना था सही था, खरा सोना था। मैंने भी उनका अनुसरण किया। उनके पुस्तकालय में हिंदू धर्म के मूल प्राचीन ग्रंथों के अतिरिक्त आर्य समाज के खंडन परक और सनातन धर्म के मंडन परक ग्रंथ भी थे। उन दोनों विचारधाराओं को आत्मसात करने पर मुझे लगा कि अनेक बातें आर्य समाज ठीक कर रहा है, हर पुरानी चीज ठीक नहीं है। यदि ग्रह और त्याजित का विवेक न किया गया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। आधुनिक विचार के आलोक में इन सब का विश्लेषण होना चाहिए। प्राचीन काल में या मध्ययुगीन परिस्थिति में जो बात चल सकती थी, आधुनिक वैज्ञानिक व मानवतावादी युग में उनका चल पाना लगभग असंभव है। यह एहसास हिंदू मनीषा को वैसे 19वीं शताब्दी में ही होना शुरू हो गया था। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद आदि विभूतियों ने अपने अपने ढंग से और अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप आधुनिकता द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का प्रत्युत्तर देने का प्रयास किया था। निंदा और स्तुति, कुल मिलाकर वे हिंदू धर्म को अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहे और उसके असुविधाजनक परंपरागत स्वरूप का कई तरह से सामना करते रहे। कभी किसी बात को प्रच्छेदवाद में विधर्मियों द्वारा जोड़ी गई बताया गया, कभी शब्दों के अर्थ को बदलने का प्रयास किया गया, कभी एक प्रथा सती प्रथा को निंद घोषित किया तो कभी दूसरी अस्पृता को, कई चीजों को सीधे भी उन्होंने त्याजित घोषित कर दिया। इसी तरह कई नई चीजों को शुरू किया गया तो कई चीजों को पुरानी चीजों का जो पुनरुद्धार बताया गया था, विधवा विवाह स्त्री शिक्षा आदि की शुरुआत की गई। यह प्रक्रिया निरंतर चलती है। समय समय पर इसके विभिन्न आयाम उभरते। मुझे लगा कि मैं हिंदू धर्म की सेवा कुछ इस ढंग से करूं ताकि इसे मानने वाला समाज वैज्ञानिक विचारधारा संपन्न शक्तिशाली और सब तरह की हीन भावना से रहित होकर विश्व में अपना अनुपम अस्तित्व लेकर अग्रसर हो सके। यह काम न तो एक व्यक्ति का है और न ही एक निश्चित समाप्ति से संपन्न होने वाला है। फिर भी यह सोच कर मैं इसमें जुट गया कि कुछ न कुछ करने की अपेक्षा कुछ करना ही ज्यादा श्रेष्ठ है। समय समय पर एक सीमित अंश पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करता रहा। उदाहरणतः इतिहास को लिया जा सकता है। हम क्यों मुट्ठी भर हमलावरों के आगे घुटने टेकने के लिए विवश होते रहे? क्यों पिछले 2500 वर्षों से ज्यादा समय हम गुलामी बने रहे? क्यों सब हूण कुषाण तुर्क मुगल पुर्तगाली अंग्रेज इन देशों को सॉफ्ट टारगेट समझकर यहां आते रहे और क्यों हम सदा सॉफ्ट स्टेट ही सिद्ध हुए? हम क्यों अपने मंदिरों अपनी मूर्ति देवी मूर्तियों आदि की सुरक्षा नहीं कर पाए? क्यों यहाँ के इंसान पुरुषों स्त्री बच्चों बूढ़े आदि को गुलाम बनाकर हमलावर ले जा रहे और
उन्हें गजनी के बाजार में पशु की तरह बेचते रहे। जब इन तरह के असुविधाजनक प्रश्न उठाए गए और उनके उत्तर ढूंढने के प्रयत्न में सरिता से प्रकाशित अपने लेखों में किए, जो हिंदू समाज में एक बहुत बड़े वर्ग से विशिष्ट नई पीढ़ी ने उसका विशेष तौर पर स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने उनके अंदर सोए पड़े हिंदुत्व को अंगड़ाई लेने के लिए विवश किया था। वे अतीत को खेचुल उतार कर भविष्यन्मुख होने में गर्व महसूस करने लगे थे। इन पंक्तियों का लेखक और इस पुस्तक के प्रकाशन दोनों सनातन धर्मी हैं। अथर्ववेद में कहा गया है 10:8-13 में आप देखें, अर्थात वे उस सनातन धर्म कहते हैं जो आज भी सदा नवीकृत है। इसी सनातन की बात बुद्ध भी करते हैं जब वे धम्मपद में कहते हैं, अर्थात यह सनातन धर्म है। स्पष्ट है कि वेद के अनुयायी हो या बुद्ध के, वे सब सनातन धर्म है। धम्मपद के यमक वगवो गाथा 5 से अगला है सनातन धर्म। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि चार्वाक दर्शन यद्यपि नास्तिक दर्शन है, तथापि वह सनातन धर्मी है, क्योंकि प्राचीन दार्शनिक चर्चाओं में जैन और बौद्ध विद्वान अनेक स्थलों पर वैदिकों से कहते हैं कि तुम्हारे चार्वाकों ने ऐसा कहा, श्यादवाद मंजरी श्लोक 11 से। किसी वैदिक विद्वान ने प्रत्युत्तर में न तो कभी यह कहा कि चार्वाक हमारा नहीं है, और न ही उन्होंने कभी जैनों या बौद्धों से तुम्हारे चार्वाकों ने ऐसा कहा है। सनातन धर्मी के लिए किसी डॉगमे को मानना जरूरी नहीं। वह सनातन धर्मी परिवार में जन्मा हो, अपने को सनातन धर्मी मानता हो और साख्य वेदांत न्याय और वैश्विक जैन बौद्ध चार्वाक मीमांसा आदि किसी भी दर्शन को मानता हो, बस उसके सनातन धर्मी होने के लिए पर्याप्त है। कोई मुसलमान ईसाई या यहूदी न अपने को सनातन धर्मी कहता है, न उपयुक्त दर्शन में किसी को मानता है और न सनातन धर्मी परिवार में जन्मा होता है। अतः हमारी सनातन धर्मी की परिभाषा न उस पर चरितार्थ होती है और न ही किसी परंपरागत सनातन धर्मी को नकारती है। यह सनातन धर्मी समाज की हिंदू समाज है, क्योंकि इसकी विरासत एक समान है। इस विशाल समाज का यह यदि 6 होता है तो हम सब मरते हैं। यदि आतंकवाद हिंदुओं को निशाना बनाते हैं तो कोई भी हिंदू उनका शिकार हो सकता है, चाहे उसकी विचारधारा दूसरे हिंदू से इस या उस अर्थ में थोड़ी बहुत भिन्न क्यों ना हो। इस तरह स्पष्ट है कि हिंदू समाज के सदस्यों के नाते हर हिंदू को अपने समाज में नियति भोगनी होगी। यदि हिंदू समाज कमजोर और जाति पात में बटा हुआ है, अंधविश्वासी है, विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, धार्मिक आर्थिक दृष्टि से विपन्न है, तो समाज के तौर पर हमारा कोई भविष्य नहीं। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं तब अपवादों की कोई प्रशासनिकता नहीं रह जाती। यह ठीक है किसी भी समाज के सब सदस्य एक समान नहीं होते, परंतु समाज की नीति एक सी ही होती है। आतंकी घटनाएं आए दिन इस तथ्य को रेखांकित करती हैं। व्यक्तिगत तौर पर संभव है कुछ अपवाद रहे हों, परंतु इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस समाज की हैसियत इतिहास में वैसी ही रही है जैसी व्यायामशाला में टंगे रेत के उस बोरे की होती है, जिस पर कोई नौसखी या जिस पर कोई नौसखिया मुक्केबाज धौल जमाकर चला जाता है। सिकंदर से लेकर अहमद शाह अब्दाली व नादिर शाह तक सब एक समाज के तौर पर हमें रौनते चले गए। अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी भी यही करते रहे। अब है स्वस्थ समाज की रचना। अतः हमारी कल्याण तभी संभव है जब हम एक समाज के तौर पर स्वस्थ, सशक्त और प्रगतिशील हों। व्यक्तिगत तौर पर आप चाहे कुछ हो, उससे खास अंतर नहीं पड़ता। यदि सारा समाज अंधविश्वासों की दलदल में आकंठ मग्न हो, यदि वह हास्यपद कुरीतियों का शिकार हो, यदि वह भाषावाद और प्रांतवाद के आधार पर बटा हुआ, यदि जातिवाद के नाम पर विकृत हो चुका हो, यदि वह तर्कशील से कोसों दूर हो, यदि वैज्ञानिक विचारधारा उसके पास से न गुजर पाती हो, तो आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि सामाजिक संदर्भ में कोई अर्थ नहीं रख सकती। इतिहास के विभिन्न दौरों में व्यक्तिगत तौर पर हमारे यहाँ भी विद्वान थे, योद्धा भी थे और दूरदर्शी भी थे, परंतु वे हारों की दास्तान को एक कटु यथार्थ बनने से रोक पाने में एकदम असफल रहने के लिए मानो अभी सब थे, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। वे समाज को वहीं का वहीं छोड़कर खुद आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे।
यही कारण है कि समाज के सुधार का, उसके नवनिर्माण का, उसकी उन्नति के सारे प्राचीन संस्कृत साहित्य में कहीं कोई धीमा सा स्वर भी नहीं सुनाई पड़ता। उल्टे ऐसे स्वर जरूर सुनाई पड़ते कि आम आदमी को बुद्धि में भेद मत पैदा करो, उन्हें अज्ञानियों की तरह कामों में उसी तरह लगा रहने दो जैसे पहले से लगे चले आ रहे हैं, गीता के 3:26 श्लोक में। ऐसे में समाज के उत्थान या उद्धार की क्या कोई आशा बचती है? यदि कई दोस्तों का कहना है कि पिछले दिनों गणेश जी की मूर्तियों को दूध पिलाने का जो सामूहिक प्रयास हुआ था, वह समाज की सोई हुई सामूहिक चेतना को जगाने का एक प्रयास था, हमें ऐसे प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। इस बारे में हमारा मानना है कि इस तरह के क्षणिक प्रयास क्षणिक सामूहिकता तो पैदा करते हैं, परंतु वे सामूहिक चेतना जागृत नहीं कर सकते, क्योंकि जागृति से इनका कोई संबंध ही नहीं है। ये तो अंधविश्वास को हवा देकर जागे हुए को भी सुलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए न पिछले दिनों के दूध पिलाने से कुछ हुआ, न पिछले सालों से दूध पिलाने से। इससे हिंदू समाज दूसरों की नजरों में केवल हास्यास्पद ही बना है। जागृति के ऐसे विविध रूपों से समाज का सुधार नहीं हो सकता। समाज की जागृति व सामूहिक चेतना के लिए हमें इजराइल की ओर देखना होगा। उस समाज से हिंदू समाज बहुत कुछ सीख सकता है, जैसी सामूहिक चेतना, परस्पर एकजुटता, कुछ कर गुजरने की भावना उस समाज में दृष्टिगोचर होती है। वैसे यदि हमारे समाज में रही होती तो हमारा इतिहास कुछ दूसरा ही होता। कुछ दोस्तों ने सुझाव दिया कि भाई आराम से प्रोफेसरी करो, समाज तो ऐसा ही रहेगा, इसके लिए चिंता करनी छोड़ो और जीवन का आनंद लो। मुझे लगता है कि जिस समाज में ऐसे मित्र हों उसे दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं। यही घोर व्यक्तिवाद तो हमारे साथ हजारों साल से चिपका हुआ है। यहाँ घर किए हुए और धुन की तरह हमें अंधेरे अंदर से खाए जा रहा है। व्यक्तिगत मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति में एक एक आदमी लगा रहा, परंतु समाज के सामूहिक उत्थान की कभी किसी को सुध नहीं आई। जबकि वास्तविकता यह है कि यदि समाज स्वस्थ होगा तो व्यक्ति भी स्वस्थ होगा, यदि समाज सशक्त होगा तो व्यक्ति भी सशक्त होगा, परंतु यदि समाज कमजोर होगा तो व्यक्तिगत तौर पर तगड़ा व्यक्ति भी नहीं बचेगा। अतः समाज के शक्तिशाली होने का अर्थ है हर व्यक्ति का शक्तिशाली होना। व्यक्ति का प्रबुद्ध स्वार्थ इसी में है कि समाज शक्तिशाली, स्वस्थ और वर्चस्वी हो। इसलिए हम हिंदू समाज को सब तरह से संपूर्ण देखना चाहते हैं, इसकी बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, इसका नवनिर्माण करना चाहते हैं, इसे सुधरे हुए रूप में देखना चाहते हैं। व्यक्ति तो आज है कल नहीं, परंतु हिंदू समाज अच्छे बट के समान सनातन सा है, वह सदा है, सदा रहेगा। तो इसकी चिंता करना हमारा परम कर्तव्य है। इस सुधारवादी अभियान को हर हिंदू की सहूलियत की अपेक्षा है। यह कुछ नेताओं या कुछ लोगों की नहीं, बल्कि समग्र समाज के सहभागी होने पर भी अपनी तार्किक परिणति तक सफलतापूर्वक पहुंच सकता है। प्रस्तुत पुस्तक द्वारा उन सब हिंदू हितैषी लोगों का आह्वान किया जा रहा है जो इस विराट हिंदू समाज के सुधार में अभिरुचि रखते हैं। यह पुस्तक मेरे दशकों की साधना का परिणाम है। यह सुधार के अभिलाषी के लिए एक एजेंडा मात्र है। इससे प्राचीनतम ग्रंथ से शुरू करके आधुनिक युग के ग्रंथों तक को खगाला गया है, ताकि उन कमियों, बीमारियों, कुरीतियों को आदि की प्रमाणिक निशानदेही की जा सके। मेरा मुख्य उद्देश्य समस्या को प्रस्तुत करना है, क्योंकि आज की परिस्थितियों में समाधान से बढ़कर समस्या की निशानदेही हो चुकी है। जिस तरह का उदासीन पूर्ण रवैया हमारी युवा पीढ़ी का है और जिस तरह का व्यवहार धर्म के धंधेबाजों को देखने को मिला है, उस सबके मद्देनजर हम यह कह सकते हैं कि समाज की समस्याओं की घोर उपेक्षा हो रही है और भविष्य में यह और ज्यादा होगी। ये अच्छा आसार नहीं है, क्योंकि अपेक्षा या उदासीनता तो जानी दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होती है। यदि समाज के भावी कर्णधार और कल के नेता हमारा युवा वर्ग इस उपेक्षा व उदासीनता से छुटकारा पाकर समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करता है, यदि इसकी हालत की ओर ध्यान देते तो इस समाज का भला हो सकता है। जो भी लोग इससे ध्यान देंगे वे नसों में गर्क होंगे, न पतनशील होंगे पश्चिमी रंग ढंग में, वे देश के स्वाभिमान से प्रेरित होकर कुछ रचनात्मक कर गुजरने के लिए लाली आते होंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस देश के युवा वर्ग ने किया था। स्वतंत्र देश व स्वतंत्र समाज को रचनात्मक प्रगति के पथ पर लेकर जाना और उसकी कमियों और त्रुटियों, बुराइयों आदि को दूर करना उतना ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य है जितना देश को स्वतंत्र कराना। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता स्थिति दोनों ही महत्वपूर्ण होती हैं। यदि स्वतंत्र प्राप्ति के बाद हमारी रचनात्मकता रुक जाती है, हमारे अच्छे बुरे का विवेक काम करना बंद कर देता है, हम अपने को सुधारने का पथ त्याग देते हैं,
तो यह स्वतंत्रता के छिन जाने के लिए ही मानो हम प्रबंध कहते हैं। किसी प्रबुद्ध हिंदू ने ऐसी दुराशा नहीं की जा सकती। हमारा यह प्रयास है प्रबुद्ध हिंदू को उसके सुधारवादी यत्नों में सहायता पहुंचाना मात्र है। उसे बीमारी के अस्तित्व की ओर आकर्षित करना, बीमारी के बारे में यथामति विवरण उपलब्ध कराना, उसकी भ्रांतियों का यथाशक्ति निवारण करना और इसी ईमानदारी से प्रमाणिक सूचना उपलब्ध कराना, अपने दशकों के स्वाध्याय के फलों व निष्कर्षों से उसे लाभान्वित करना, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ढंगों से विराट हिंदू समाज के उज्ज्वल भविष्य की प्रक्रिया में योगदान करना आदि कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जिनकी मूर्ति के लिए पुस्तक प्रकाशित की जा रही है। यह बात तो परिवर्ती समीक्षक की भली भांति निर्धारित करेंगे कि हम अपने उद्देश्य की किस मद में हैं, किस सीमा तक, किस अनुपात में सफल हैं। वर्तमान में लेखक और प्रकाशक को इस बात का संतोष है कि वे अपने समाज के प्रति यथामति और यथाशक्ति कुछ सकारात्मक व रचनात्मक कार्य चल रहे हैं। अब है विदेशों से तुलना। दुनिया के देश उन्नति इसलिए कर पाए कि वहाँ वैचारिक खमीर काफी देर पहले उठना शुरू हो चुकी थी। जर्मनी में मार्टिन लूथर ने और पोप और उसके प्रतिनिधियों को 16वीं शताब्दी में ही चुनौती दे दी थी। उसने कहा, हम लोग चोर को फांसी देते हैं, ठगों को तलवार घाट उतारते हैं, तो अधपतन के मुख्य कारण पोप और पादरियों को हर प्रकार के दंड से क्यों न दंडित करें? यदि अग्नि वर्तमान रही तो किसी न किसी दिन मैं पोप के समस्त नियमों को जला दूंगा। लूथर ने आवाज उठाई कि वर्तमान मठों की संख्या 10% कम कर देनी चाहिए। इनमें रहने वाले यदि प्राप्त लाभों से संतुष्ट न हो तो उन्हें इससे संबंध तोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लूथर ने लोगों को समझाया कि तीर्थ यात्राओं तथा धार्मिक अवकाशों से दैनिक कार्य की हानि होती है, इससे आर्थिक नुकसान होता है। लूथर के साथ ही हुटन ने सम्राट से कहा था, पोप का पद समाप्त कर देना चाहिए। इस धर्म संस्था की संपूर्ण संपत्ति राज्य में मिला लेनी चाहिए और 100 में से 99 पादरियों को व्यर्थ समझकर निकाल देना चाहिए। केवल यही तरीका है जर्मन के पादरियों तथा उनकी बुराइयों से मुक्ति पाने का। उनकी संपत्ति जब्त करने से राज्य की पुष्टि होगी, उसकी आर्थिक दशा उन्नत होगी और उस पैसे से सेना को शक्तिशाली बनाकर देश की रक्षा की जा सकेगी। आखिर लूथर ने पोप के सब नियम जला डाले। इसके साथ ही इंग्लैंड में भी उसके मत प्रोटेस्टेंट मत का प्रवेश होने लगा। अष्टमी हेनरी ने 1534 ईस्वी में पार्लियामेंट के द्वारा पोप के पर कतरवाए दिए। उसने राजा को समस्त पादरी नियुक्त करने का तथा उस राशि को अपने पास का अधिकार दिया जो पहले पोप के पास रोम भेजी जाती थी। साथ ही राज्य के हर कर्मचारी के लिए यह शपथ लेना अनिवार्य बना दिया गया कि पोप के अधिपत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। हेनरी ने मठों की धार्मिक अवस्था को जांच करने के लिए निरीक्षक भेजे। मठाधीश महंत आलसी और दुष्ट थे। सब छोटे छोटे मठों की संपत्ति जब्त की गई तो धर्म के इन ठेकेदारों, संतों, महंतों आदि ने विद्रोह करवा दिया। राजा ने वे सब मठाधीश मौत के घाट उतार दिए जो इस विद्रोह में शामिल हुए थे। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। भय के मारे दूसरे ने स्वीकार कर लिया कि हम लोग दुराचारी हैं और उन्होंने अपने अपने मठ राजा को सौंप दिए। दिए गए मठों की सारी सामग्री बेच दी गई, भूमि को या जो राजा ने अपने कब्जे में ले लिया या फिर जो बेच दिया। इन मठों के नाश के साथ ही साथ धर्म मंदिर के इन प्राचीन मूर्तियों तक को तोड़ दिया गया जिसमें पोप को आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ तक कि गिरजाघरों में लगे रंगीन शीशे भी तोड़ दिए गए क्योंकि बहुधा उनमें भी मूर्तियां बनी रहती थी। चुनाव की प्राचीन प्रथा को तोड़कर अब निश्चित हुआ कि राजा स्वयं ही बिशप को नियुक्त करेगा। इस मामले में कई अभूतपूर्व कदम उठाए गए। कैटरबरी के महात्मा साधु टॉमस की मूर्ति तोड़ डाली गई और उसकी हड्डियां जला दी गई। वेल्स के काठ की एक मूर्ति की पूजा होती थी, उसे तोड़कर एक ऐसे साधु को जलाने के लिए इस्तेमाल किया गया जिसने राजा को आज्ञा न मानकर पोप की आज्ञा मानी थी। इस तरह धर्मगुरु के चंगुल से मुक्त होने और उससे सत्याच्युत करने के बाद ही इंग्लैंड विज्ञान में प्रगति कर सका। 18वीं शताब्दी के अंतिम और 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में वहाँ बहुत औद्योगिक क्रांति इसी वैचारिक व धार्मिक क्रांति का फल थी जिसके बीच पिछली 16वीं और 17वीं शताब्दियों में खो गए। 19वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक देशों में स्वतंत्र चिंतकों, वैज्ञानिकों, आविष्कारों आदि को तंग किया जाता था। वे सब इंग्लैंड पहुंचकर निर्भय होकर अपना अपना काम आगे बढ़ा पाए क्योंकि वहां वैचारिक स्वतंत्रता थी, कठमुल्लापन नहीं था।
जिस मार्क्स के विचार को मानने वालों को पिछली शताब्दी में 1990 तक आधी से ज्यादा दुनिया पर राज रहा, वह भी इंग्लैंड में आकर ही अपने युगांतरकारी चिंतन को तर्कसंगत परिणति तक पहुंचा पाया था। मार्क्स को 1843 में जर्मन छोड़कर पेरिस जाना पड़ा। वहां से उसे जब निकाल दिया गया तो वह ब्रुसेल्स में आ गया, परंतु जब उसे वहां से भी निकाल दिया गया तब वह 1849 में लंदन आ गया और सारी उम्र वहीं रहकर अपने शोध कार्य को पूरा करता रहा। यह एक उदाहरण है, ऐसे और उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। यहाँ एक उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट धार्मिकता का भी गुलाम नहीं बना, बल्कि यह विश्व भर में धर्मनिरपेक्षतावाद यानी सेकुलरिज्म की जन्मभूमि बना। 1851 में जेकब होलीयोक ने इस शब्द सेकुलरिज्म का सर्वप्रथम प्रयोग किया और इसे आंदोलन का रूप दिया, धर्मनिरपेक्षता का जन्म। ध्यान रहे, होलीयोक का धर्मनिरपेक्षतावाद हमारी भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद नहीं था, यह तो वस्तुतः छद्म धर्मनिरपेक्षतावाद है। वास्तविक धर्मनिरपेक्षतावाद सांसारिक समस्याओं के समाधान में ईश्वर सहित किसी अलौकिक सत्ता के हस्तक्षेप अथवा उसकी प्रशासनिकता को स्वीकार नहीं करता। इसी कारण यह अलौकिक सत्ताओं पर अनिवार्यतः आधारित धर्म का निषेध करने वाला सिद्धांत माना जाता है। होलीयोक के धर्मनिरपेक्षतावाद सेकुलरिज्म की व्याख्या करते हुए डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा लिखते हैं, उपयुक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षतावाद एक विशेष प्रकार का मानवतावादी जीवन दर्शन है, जो धर्म तथा आध्यात्मिकवाद का निषेधन करते हुए नैतिकता, शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, कानून आदि को इन दोनों में पूर्णतः स्वतंत्र मानता है और जो मनुष्य को अलौकिक या दैवीय शक्ति पर आश्रित रहने के स्थान पर पूर्णतः आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देकर उसके व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। धर्म दर्शन की मूल समस्याएं। संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण, प्रश्न संख्या 492। होलीयोक ने धर्मनिरपेक्षतावाद के द्वारा इंग्लैंड के वातावरण को तर्कसंगत, वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न, कट्टरता मुक्त और विरोधी विचारों के प्रति सहिष्णु बनाया। जो ब्रेडलॉक ने कानून को धर्म के जकड़बंदी से मुक्त करवाने में अपना योगदान दिया। उन्होंने अपने प्रयासों से ईश्वर के नाम पर शपथ लेने की वाद्यता खत्म करवाई और ओथ्स बिल पारित करवाया, जिससे ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करने वालों के लिए सत्यनिष्ठ के नाम पर शपथ लेना संभव हो गया। डार्विन की खोजें। ऐसे वातावरण डार्विन का विकासवाद का युगांतरकारी सिद्धांत विकसित हो सका, जिसने सारे संसार के परंपरागत चिंतन की चूल्हे हिला दी। भारत में ऐसा वातावरण कभी नहीं बना, यही कारण है कि यहाँ पर आकर बसने की इच्छा किसी विदेशी विचारक या वैज्ञानिक ने कभी जाहिर नहीं की। इसके विपरीत भारत के अलावा आला दिमाग में जिस शिखर को विदेश में जाकर छूते हैं, उसे भारत में छूने में एकदम असफल रहते हैं। हालांकि गाया यह जाता है कि यहाँ की धरती को ऋषि मुनियों, पीरों, फकीरों, गुरु भक्तों आदि के चरण स्पर्श का गौरव प्राप्त है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना भारत के किसी गिनती में नहीं होती, परंतु विदेश में अपने अनुसंधान से नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हैं। कल्पना चावला भारत में कुछ भी नहीं सिद्ध होती है, परंतु अमेरिका में एक सितारे की भांति चमकी। हमारे कैसे कैसे प्रश्न। अपने यहाँ यह प्रश्न कभी नहीं उठता कि ऐसा क्यों है, हमें ऐसा प्रश्न क्यों कभी परेशान करते हैं। हमें तो दूसरी तरह के प्रश्न की परेशानी करते हैं, जैसे अभिनेता संजय दत्त ने अपने पिता सुनील दत्त की अस्थियों का विसर्जन ऋषिकेश में कर दिया तो हरिद्वार में बवाल खड़ा कर दिया गया। ऋषिकेश के परमानर्थ निकेतन के जिस स्वामी चितानंद मुनि ने अस्थि विसर्जन कराया था, उसका पुतला फूंका गया। यह तब है जब ब्रिटेन में बसे लाखों भारतीयों ने अब हरिद्वार में अपने परिजनों को अस्थियाँ डालने आने के बजाय उन्हें लस्टर शायर की सोर नदी में प्रवाहित करना शुरू कर दिया है। और जब शिकागो की डीपाली यूनिवर्सिटी के 23 वर्षीय छात्र हेमंत मेहता ने अपनी आस्था इंटरनेट पर बाकायदा बोली लगाकर भेज दी और वह बोली लगाने वाले जिम हैंडरसन के निर्देशों के मुताबिक चर्च की सेवा कर रहा है। हमें परेशानी इसलिए होती है कि मलयालमी फिल्म अभिनेत्री मीरा ने राजराजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर ली है। हमें परेशानी इसलिए होती है कि कन्नड़ अभिनेत्री जयमाला सबरीमाल मंदिर के गर्भगृह तक चली गई और
और मई 2007 में एक हिंदू केंद्रीय मंत्री की ईसाई पत्नी केरल के गुरुवायूर मंदिर में अपने पति के साथ पूजा के लिए प्रविष्ट हो गई, यानी एक गैर हिंदू औरत जासमीन मीरा हिंदू मंदिर में प्रवेश कर गई। धर्म ध्वजियों को यह दिखाई नहीं देता कि यह गैर हिंदू ने हिंदू की आस्था को अपनाया है। बवाल यदि मीरा के सहधर्मी मचाते तो समझ में आता भी, किसी मस्जिद या चर्च में किसी हिंदू के जाने पर तो बवाल नहीं उठता। हम सबरीमाल मंदिर में एक औरत अभिनेत्री प्रवेश से परेशान है, क्योंकि उक्त मंदिर में स्त्री का विशिष्ट उस उम्र की स्त्री का जिसके मासिक धर्म होता हो में से 50 तक की आयु की स्त्री का प्रवेश उसके स्त्रीत्व के कारण वर्जित है, यानी सुपरसोनिक युग में हमारे यहाँ भी स्त्री आज भी अछूत है। हमारे यहाँ धर्म ध्वजियों ने सचेतन तौर पर इस बात का ध्यान रखा कि कोई भी ऐसा विचार पनपने ही नहीं पाए जिससे उसकी सत्ता को चुनौती मिले। मनोज मिश्र ने ठीक ही कहा है कि हम कपिल के सांख्यवाद और पतंजलि के योग दर्शन पर ही इतराते रह गए और यूरोप भाव के इंजन का आविष्कार कर आगे बढ़ गया। हम पुस्तक विमान के सपने रखते रहे और दूसरे देश हवाई जहाज बनाकर हमारे आसमान पर चक्कर लगाने लगे। हम योग वशिष्ठ पर न्यौसावर होते रहे और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज भौतिक शास्त्र की नई दिशा दे दी। हमें स्वीकारना होगा कि थोते दम्ब ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। दैनिक अमर उजाला 21/7/2006 से। छद्म्ब यथार्थ हिंदुत्व। हमें छद्म हिंदुत्व और यथार्थ व प्रबुद्ध हिंदुत्व के अंतर को समझना होगा, क्योंकि छद्म हिंदुत्व हिंदुत्व के दुश्मनों से भी ज्यादा हानि पहुंचाता है। छद्म हिंदुत्व शोर मचाता है, प्रदर्शन कर सकता है, कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकता है, अल्पसंख्यकों को खोज सकता है, परंतु यह बौद्धिक रूप में इतना सक्षम नहीं कि यथार्थ हिंदुत्व की समस्याओं को पहचान तक सके। उनकी समाधानों की तो बात ही छोड़िए। यथार्थ हिंदू तो हिंदू समाज के वास्तविक कल्याण से प्रेरित है, न कि वह सत्ता प्राप्ति की लालसा का कोई मुखौटा है। यदि हिंदू समाज अपनी कमियों कमजोरियों और न्यूनताओं आदि का साक्षात्कार करेगा तभी उसे दूर करने की सोचेगा, परंतु यदि हम उनकी ओर उन्मुख न होने दे उन शत्रु की अल्पसंख्याओं के प्रति ही विश्व विमन करने के लिए निरर्थक प्रयास में लगाए गए थे तो इससे हिंदू समाज का भला कैसे हो सकता है। अपनी कमियों कमजोरियों से मुंह फेर लेना तो वैसे ही इंसानी फितरत है। अब यदि उसे उनके प्रयत्न पूर्वक विमुख रहने वाले कथित ऐसे भी मौजूद हो तो फिर उसके उनकी तरफ उन्मुख होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होगा। यथार्थ हिंदुत्व आलोचना आत्मालोचन की दृढ़ चट्टान पर खड़ा है। वह हिंदू समाज को अपने अंदर अर्थात अपने धर्म ग्रंथों अपने समाज के अंदर झांकने के लिए आत्मनिरीक्षण में अपनी आलोचना आप करने के लिए प्रेरित करता है और अवसर जुटाता है ताकि अपने दोषों से मुक्ति का उपाय ढूंढ सके। यह काम कठिन और अप्रिय जरूर, परंतु कल्याणकारी और लाभकारी भी है। छद्म हिंदुत्व हिंदू की चापलूसी करके उसे लोक लुभावन बातें सुनाकर अपना नेतृत्व स्थापित करता है, या फिर अल्पसंख्यकों के विरुद्ध विश्व बमन करके अपने को हिंदू का प्रिय बनाना चाहता है। मानसिक आलस से ग्रस्त जो हिंदू इनके बहकावे में आता है वह क्या अपने या समाज से कुछ बनाना संभारता है। वाल्मीकि अपने रामायण में कहते हैं कि मीठी मीठी बातें करने वाले तो दुनिया में बहुत तेरे लोग होते हैं, परंतु सतपथ बताने वाले बातें करने और सुनने वाले दुर्लभ ही होते हैं, क्योंकि वे बातें चिकनी चुपड़ी नहीं होती। रामायण के युद्धकांड के 16 और 20 श्लोक से ये चीज कही गई है। महाभारत में कहा गया है कि सत्य बोलना श्रेष्ठकर है, परंतु हित की बात करना उससे भी ज्यादा श्रेष्ठकर है। जो प्राणियों का सर्वोच्च हित है वही सत्य है। ये महाभारत के शांति पर्व के 329 के 13 श्लोक से। इन वचनों के आलोक में यदि हिंदुत्व पर विचार करें तो स्पष्ट हो जाता है कि गुजरात के ही नहीं सारे हिंदुस्तान कि मुसलमानों के विरुद्ध दंगा भड़काने पर भी हिंदू का भला नहीं होगा। उड़ीसा के ही नहीं बल्कि सारे भारत के पादरियों को मारने से भी एक हिंदू का भला नहीं होगा। यह सारा छद्म हिंदुत्व है। इसके विपरीत जिस काम में हिंदू समाज अपने खोए हुए स्वाभिमान को प्राप्त करने के लिए यत्नशील हो, जिससे उसके रचनात्मकता आए, उसके ज्ञान वृद्धि हो, जिससे वह आत्मविश्वास अर्जित करे, अपने घर को सुव्यवस्थित कर सके, अपनी कमियों व कमजोरियों को पहचान कर उन पर विजय प्राप्त कर सके, वह सब यथार्थ व प्रबुद्ध हिंदुत्व है। यथार्थ हिंदुत्व की मानवता की सेवा का व्यवहारिक मार्ग है। 80-85 करोड़ लोग मानवता का बहुत बड़ा एक आश्रम है। यदि हम इसी मानवता की ठीक ठाक से सेवा कर सके तो यह तो कोई छोटी उपलब्धि नहीं होगी। कहा गया है विद्या देना ज्ञान देना उत्तम दान है। अपने अतीत को अच्छी तरह समझना उसे सही
परिप्रेक्ष्य से देखना, तदनुसार अपने वर्तमान और भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करना तथा जहाँ जहाँ अपेक्षित हो अपनी कमियों को दूर करना तथा सद्गुणों को अर्जित करना, अपने प्रत्युत्तर को युगानुरूप बनाना और दृष्टिकोण को तर्कसंगत और वैज्ञानिक बनाना, वह इन सब के संदर्भ में हमारे समाज की यथासंभव व यथाशक्ति सहायता करना है। यथार्थ हिंदुत्व का अभिन्न वैदिक अभिन्न अंग है। इसके बिना हिंदू समाज का भला नहीं हो सकता। हमें हमलावर मुसलमानों ने उतना नहीं मारा जितना हम अपनी कमजोरी के कारण मरे। उन कमजोरियों को दूर कर लो, तुम भी विश्व की महाशक्ति बन सकते हो। अमेरिका या कोई दूसरा देश कहीं से भी पट्टा लिखा कर नहीं लाया कि वह महाशक्ति बन सकता है। दूसरे नहीं बस हिंदुत्व के यथार्थ स्वरूप को हृदयंगम करके तुम्हारे एक अंगड़ाई भर लेने की देर है। कुछ छद्म धर्म निरपेक्षतावादियों ने मुझ पर आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद गिराने वाले लोगों को बौद्धिक व मानसिक तौर पर तैयार करने में मेरे लेखों व सरिता का भी कोई योगदान रहा है। इस तरह के आरोप लगाने वालों को परिपेक्ष मुझे सही प्रतीत नहीं होता। इतिहास के किए हुए अनकिया करने का उपयोग तरह का दृष्टिकोण मेरा या सरिता का कदापि नहीं रहा। अपने इतिहास को खंगालना, अपनी पराजयों का विश्लेषण करना तथा अपनी कमियों व कमजोरियों को पहचानना एक बात है और पुरानी व ऐतिहासिक इमारतों में धार्मिक हो या दूसरी को गिराने की वकालत करना इससे सर्वदा भिन्न बात है। मैं पहली कोटि का ही काम कर रहा हूँ, दूसरी कोटि का मेरा क्षेत्र कदापि नहीं रहा। कमजोरियाँ कमियों को जो अपनी पराजयों और अपनी अपनीति के लिए उत्तरदायी है वे हमारी भी और हमें भी उन्हीं दूर करने के बारे में सोचना था। यही नहीं कि किसी के विरुद्ध भड़काहट पैदा करना और न इसके किसी को किसी तरह का खतरा महसूस होना चाहिए था। यह असहिष्णुता नहीं है, आत्म सुधार का मार्ग है। इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? यदि हिंदू समाज अपने नकारात्मक पहलुओं का परित्याग करके सकारात्मकता से सरोबार होता है, यह हिंदू बोल देश है। यदि यह समाज बीमार रहेगा तो उसे क्या अल्पसंख्यक स्वस्थ रहेगी? गीता में कहा गया है कि वे और तुम एक दूसरे के सद्व्यवहार करते हुए, एक दूसरे की प्रगति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त करो। आज हिंदू धर्म प्रथाओं का परित्याग। आज हिंदू धर्म कई उन प्रथाओं को त्याग चुका या त्याग रहा है जो कभी धर्म या यथा सती प्रथा, छुआछूत आदि, जाति आधारित भेदभाव, शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखना, बाल विवाह आदि इस तरह की चीजें पहले निषिद्ध थी, जैसे शूद्रों का सार्वजनिक कुओं आदि का प्रयोग, देव मंदिरों में प्रवेश, विधवा का पुनर्विवाह, स्त्री का शिक्षा आदि उन्होंने अपना चुका है। हिंदू समाज अब शास्त्रों, संस्कृत में लिखी गई हर पुस्तक को आग मूंद कर नहीं विवेकपूर्वक पढ़ने में विश्वास करता है। अंधश्रद्धा का स्थान बुद्धिवाद और वैज्ञानिक चिंतन लेने लगा है और उसमें आत्मचेतना का भाव दृष्टिगोचर होता है। इस तरह के देखा जाए तो हिंदू धर्म प्राचीन के नवीकरण की प्रक्रिया को अपनाए। कुछ पुरानी बातें छूट रही हैं और कुछ नई बातें जुट रही हैं। इस तरह यह चिर युवा बना रहा है। कायाकल्प की यह प्रक्रिया बहुत धीमी है। इसे कुमार की ओर ले जाने के लिए कई शिविरों से प्रयास किए जा रहे हैं जो चिंता का विषय है। कुछ वर्ग अपने को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है, वे इस बाड़े से बाहर जा चुके हैं। कुछ जा रहे हैं और कुछ जाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन वालों ने सर्वोच्च न्यायालय तक इस बात के लिए कानून लड़ाई ली कि उन्हें हिंदू नहीं माना जाए। यह बात अलग है कि वे इसमें सफल नहीं हुए, परंतु इससे उनकी इससे बाहर निकलने की इच्छा खत्म नहीं हो जाती क्योंकि उनकी घुटन यथावत बरकरार है। कुछ हिंदू धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म आदि को अपना रहे हैं। इसमें जाति पाति की भेदभावनापूर्ण व्यवस्था की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ दलित हिंदुओं ने गाय के मुकाबले भैंसों को खड़ा किया है और अपने विरोध के स्वर को मुखरित किया है। आतंकवाद का दैत्य देश के विभिन्न इलाकों में दनादन है और उसका लक्ष्य मुक्त हिंदू धर्म व हिंदू समाज ही है। इस तरह की और भी बहुत ही नकारात्मक चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। इसका मतलब साफ है कि बहुसंख्यक समुदाय के रूप में हिंदू समाज को अभी बहुत कुछ करना है। जो हिंदू धर्म को पीछे और मोड़ना चाहते हैं और इसे पुरातनपंथी बनाए रखने में हित देखते हैं, वे अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए इस विराट राष्ट्रीय समाज में धोखा कर रहे हैं। ये यद्यपि हिंदू हितैषी होने का दम भरते हैं तथा वास्तव में भी इसके लिए दुश्मन ही है आस्तीन के साथ। जरूरत है पुरातन को जानने समझने की।
जरूरत पुरातन पंथी बनने की नहीं, पुरातन को जानने और समझने की है। जो लोग हिंदू धर्म का केवल एक मुद्दा लेकर राजनीति करते हैं, वे भी वस्तुतः हिंदुत्व को जागृत करने के स्थान पर उसे अति संकुचित बना रहे हैं। हिंदुत्व की उसी तरह जैसे भारतीयता है वैसे कश्मीरीयता है, जैसे पंजाबीयत है। अतः हिंदू मात्र के प्रति समानता व भाईचारे को व्यवहार में लाए बिना हिंदुत्व को जागृत कैसे किया जा सकता है? यह सब जातिवाद को खत्म किए बिना कैसे संभव है? ऐसा नहीं चल सकता कि आप एक के साथ में जातिवाद और दूसरे में हिंदुत्व, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी। यदि जातिवाद है तो हिंदुत्व का एहसास जागृति हो ही नहीं सकता। यही कारण कि हजारों साल से जातिवाद के भी विभिन्न रूप में वे इस तरह में हमारे यहाँ रहे हैं। हिंदुत्व की भावना को ये दर्शन कदापि नहीं हुए। 21वीं शताब्दी के भेदभावपूर्ण विघटनकारी अपमानवतावादी और असमतावादी जाति पाति की शताब्दी नहीं हो सकती। इसे हिंदुत्व की शताब्दी बनाना होगा। सारे हिंदू समाज में समरसता लानी होगी और इसे एक सूत्र में बांधना होगा। यह काम रचनात्मक ढंग से करना होगा, न कि सांप्रदायिक उन्माद या तर्कहीनता के आलम द्वारा। इस लक्ष्य को हिंदुओं को अतीतवादी बनाकर या अतीत के प्रति उन्हें अस्वस्थ मोह के शिकार बनाकर हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे तो अतीत के प्रति भावुकतापूर्ण रूप को त्याग कर और उसके प्रति स्वस्थ व तटस्थ आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हासिल किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी कि युवा पीढ़ी को कुछ कठमूल्यों किस्म के डॉगमे में थमाने पर और कुछ निरर्थक प्रतीकों को उछालने के काम में लगाने के स्थान पर अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने व समझने की ओर प्रेरित किया जाए। आज लगभग हर ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद सुलभ है। जिनके अनुवाद अभी उपलब्ध नहीं उन्हें भी सुलभ करवाया जाए। हाँ, अनुवादकों को अपनी अपेक्षा के अनुसार विकृत न किया जाए, न कहीं गंदगी को छिपाने के लिए उस पर चूना पोता जाए, न असुविधाजनक अंशों के अनुवाद को छोड़ा जाए। जो जैसा है उसे वैसे का वैसा युवा पीढ़ी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इतिहास के विभिन्न युगों में जो कुछ होता रहा है, जैसा कुछ किया जा रहा है, उस सब के रूबरू युवा पीढ़ी को होने देना चाहिए। यदि एकलव का अंगूठा कटा है, यदि संभोग की हत्या हुई, यदि सीता के साथ जाति हुई, यदि सूत्र के कानों में लाख और सीसा पिघलाकर डालने के आदेश धर्म ग्रंथों में अंकित है, यदि पशुओं की बलि यज्ञों में दी जाती रही और यदि यहाँ नियोग जैसी प्रथाओं का बोलबाला रहा, तो इन सब में युवा पीढ़ी को परिचय होने दो। डरते क्यों? उन महान ग्रंथों के उन दिव्य पृष्ठों को छुपाते क्यों? उनके दिव्य शब्दों को लेकर जजगित क्यों? तरह तरह के पापड़ क्यों बेलते हो? क्या यह सोचकर युवा पीढ़ी क्या कहेगी, यह क्या कहेगी, क्या नहीं? इस शर्म के मारे उन अज्ञान के अंधकार में रखना कहीं ज्यादा शर्मनाक होगा, खतरनाक भी। जब वे अन्य साधनों से सच्चाई जानेंगे, तब विधर्मी उन तथ्यों को उद्घाटित करके उन्हें बहकाएगी, तब वे हमारे हाथों से बाहर हो जाएगी, क्योंकि तब उन्हें हमारे चरित्र एकदम अविश्वसनीय लगेंगे। यह स्थिति उन कड़वे कुरूप सत्य से परिचित कराने की स्थिति में बदतर सिद्ध होगी। यदि आज उन्हें सबसे साक्षात्कार करने दो, तो विधर्मी की इस तरह की कोई भी संभावित चाल सफल नहीं हो सकती। उन्हें शास्त्रों को पढ़ाओ, इसके लिए उन्हें प्रेरणा दो। यदि संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं में अनुवाद पढ़ाओ। उन्हें अतीत के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण अपना दे, तभी भी अपनी जड़ों में अपने स्वस्थ व मानवीय विरासत से जुड़ सकते हैं। कोई सभ्यता पूरी की पूरी न सही होती है न गलत है, निर्णय परवर्ती लोगों का ही कर सकते हैं कि क्यों कि कहाँ क्या ठीक था और कहाँ क्या गलत था। सारे के सारे को सही या ठीक रटते जाना तो उन लोगों के साथ भी अन्याय और बलात्कार करना है जैसे हम श्रेष्ठ और आदर्श मानते हैं। जरा उपनिषदों को खोलो तो उनको बिना पढ़े ही उनकी विरुद्धावली गाते रहने से न वे महान बन जाएंगे और न ही उत्तराधिकारी होने के नाते हम। तैतरीय उपनिषद के ऋषि घोषणा करता है और शिष्यों को समझाते हुए कहता है, तैतरीय उपनिषद के 1:11 से, मैं इसका हिंदी में अनुवाद बताता हूँ आपको, कि अर्थात हमारे जो कर्म निर्दोष हों तुम्हें उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए, दूसरे का नहीं। हमारे जो अच्छे आचरण हो तुम्हें उन्हीं का सेवन करना चाहिए, दूसरों का नहीं। ऋषि अपने आप को जानता है, वह दम्भी नहीं है। उसे ज्ञात है कि उसके कुछ आचरण गलत हो सकते हैं। मानवीय कमजोरी उससे किन्हीं क्षणों में दोषपूर्ण कार्य करवा सकती है। कोई दूध का दूल्हा नहीं होता, अतः वह अपना आकलन स्वयं ही कर देता है और उसे इस पर किसी तरह की शर्म महसूस नहीं होती। वह जानता है कि शिष्य की अपनी भी बुद्धि है। यदि मैं अपने को शब्दों द्वारा अति मानव
बनाकर पेश करता हूँ तो उस समय मैं उसे कैसे मुंह दिखाऊंगा। जब किसी सदोष काम को करता हुआ देखा जाऊंगा, अब अपने उन्हीं आचरणों को अनुकरणीय घोषित करके जो निर्दोष है, अच्छे हैं, वह जितना ऊंचा उठ सकता है उतना शायद वह कदापि नहीं उठता। यदि वह इस तरह का कहता है, मेरे सारे कर्म सारे आचरण अच्छे हैं, अतः तुम्हें उन सबका अंधानुसरण करना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में सब कुछ है, अच्छा भी है और वह भी जिसके आज अच्छा कहना कठिन है। उसमें तैतरी उपनिषद के ऋषि का कथन है, उसमें निरुक्त के ऋषि का कथन है कि तर्क भी ही तुम्हारा देवता होगा। निरुक्त कहता है कि जब ऋषि लोग दुनिया में उठने लगे तब उससे मनुष्य से पूछा कि अब हमारा ऋषि कौन हो गए। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि अब तर्क ही तुम्हारा ऋषि हुआ करेगा। निरुक्ति के 13:13 में देखें, अर्थात पूर्व काल में उठ रहे ऋषियों को देखकर मनुष्य देवताओं से बोले, कौन हम में ऋषि होगा। उनको उन्होंने यह तर्क दिया। इसी तरह भागवत पुराण में सावधान करते हुए लिखा है कि, मैं इसको आपको हिंदी में बताता हूँ, श्रीमद् भागवत पुराण के 10:33-32 में, अर्थात सामर्थ्य वालों का वचन तो सर्वांश में सत्य होता है, परंतु उनका आचरण एक सीमा तक ही अनुकरणीय होता है। सर्वसाधारण को सामर्थ्य वाले महानुभावों के उपदिष्ट मार्ग पर तो चलना चाहिए, परंतु उनका आचरण सर्वांश में अनुकरणीय नहीं मानना चाहिए। यदि बुद्धिमानों के लिए उचित है, इसके साथ ही उनमें यह भी लिखा मिलता है, ये गौतम धर्म सूत्र के 2, 3 और 4 से, मैं इसको आपको हिंदी बता रहा हूँ, यदि शूद्र किसी को वेद पढ़ते हुए सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ सरांगा शीशे अलग डाल देनी चाहिए। यदि शूद्र वेद मंत्र का उच्चारण करे तो उसकी जीभ कटवा देनी चाहिए। यदि वह वेद मंत्र को याद कर ले तो उसका शरीर चीर डालना चाहिए। अगला है ब्रह्म सूत्र के 2:1-11 से, आप हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, अर्थात तर्क अप्रतिष्ठित है, वह स्थित नहीं होता, क्योंकि एक कुशल विद्वान के तर्क को कोई दूसरा ज्यादा कुशल विद्वान काट देता है। इसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व के श्लोक में क्या कहते हैं, चलिए मैं हिंदी में बताता हूँ आपको, अर्थात तर्क का कोई पक्का आधार नहीं होता। श्रुतियों अर्थात वेद मंत्रों में भिन्न भिन्न विचार हैं, कोई ऐसा मुनि नहीं जिसका मत सबको मान्य हो, अतः ज्यादा लोग तो काम कर रहे हों वही रास्ता है, अर्थात भीड़ बाद का अनुसरण करो। अब अगली चीज है दोस्तों, नकारात्मकता और सकारात्मकता। यहाँ पर सुरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि यह एक साथ नकारात्मक और सकारात्मक बातें उपलब्ध होती हैं, इसमें न कोई लज्जा की बात है और न ही इसे छिपाने की कोई जरूरत है। उन्हें प्रक्षिप्त कहकर अपनी चमड़ी बचाने की आवश्यकता नहीं, इनके अर्थ बदलकर बौद्धिक छल करने की तथा न धर्म के नाम पर अधार्मिक रास्तों का अवलंबन करने की बाध्यता है, क्योंकि हर ग्रंथ किसी विशेष परिस्थितियों की उपज होता है जो उसकी विषय वस्तु को प्रभावित भी करती है और उसमें प्रतिबिंबित भी होती है। राम कथा एक ही है, परंतु जब वाल्मीकि लिखते हैं तब, क्योंकि उनका व्यक्तित्व और उनकी परिस्थिति अभिन्न थी, अतः जो वाल्मीकि रामायण लिखी गई वह तुलसीदास की रचना से अनेक दृष्टियों से भिन्न है। जहाँ वाल्मीकि का विजन स्पष्ट होने के कारण उसमें शंभू हत्या का प्रकरण बिना दुराभाव छिपाव के सविस्तार अंकित है, वही तुलसी के रामचरितमानस में एकदम गायब है। तुलसी उसे छोड़कर उस घटना को छिपाने में लगे। कारण स्पष्ट है, तुलसी का विजन वाल्मीकि की तुलना में संकुचित है और परिस्थितियां भिन्न है। समस्या तब पैदा होती है जब परिस्थितियां विशेष की उपज हो। बदली परिस्थितियों में भी न केवल सामान्य वस्तु बल्कि आदर्श वस्तु भी बनाकर थोपा जाता है। कालक्रम के विपरीत जब ऐसी स्थिति पैदा की जाती है तब मानवीय मनोवैज्ञानिक उसको सहज में स्वीकार नहीं करता। निहित स्वार्थ तब उस पर कई तरह की रहस्यमयता की लीपापोती करते हैं। उसे पढ़ने योग्य पुस्तक के स्थान पर पूज्य और आले में रखी जाने वाली वस्तु बना देते हैं। उनका उद्देश्य बस यह होता है कि लोग इसे मानते रहे और इसके प्रवक्ता के व्याख्याकार के रूप में जो कुछ हम कहें उसे पुस्तक का आदेश मानकर बिना मुंह खोले, बिना किंतु परंतु किए आंखें बंद करके उसके आगे नतमस्तक होते रहे। हम कहते हैं जब नतमस्तक होने का कोई विशेष महत्व नहीं तब आप उसकी महानता से कायल नहीं होते। कायल कोई तभी होगा जब उसकी विषय वस्तु उसे प्रभावित करेगी। यह तभी संभव है यदि वह उसका अध्ययन करे, उसका स्वाध्याय करे। यदि वह कायल होगा तो नतमस्तक होने से आगे जाकर दंडवत भी कर सकता है।
परंतु निहित स्वार्थ अध्ययन के कभी किसी को प्रोत्साहित नहीं होने देना चाहते। यदि वे अनुमति देंगे तो भी अपने तरह से काट छांट कर, अर्थ बदल कर, कुछ हिस्से छोड़कर, कुछ को जाली बताकर तैयार किया संस्करण रीमेक्स्ड वे रीमेड को पढ़ने की ही वह भी आधे मन से, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि संभवतः कुछ अंश अब भी इसमें ऐसे रह गए हैं जो हमारे असुविधाजनक सिद्ध हो सकते हैं। यह स्थिति पतन की पराकाष्ठा है जो आत्मविश्वासहीनता और सुधार की संभावना शून्यता की घोतक है। उन्हें लगता है यदि कोई लोग को यह पता चल गया कि यदि उन्हें पता चल गया कि हमारा धर्म का क्या बने, क्या पूर्वजों के आज आपत्तिजनक प्रतीत होने वाले आचरण के लिए हमने आपको शर्मसार होते हैं और धर्म ग्रंथों के आज असुविधाजनक प्रतीत होने वाले आदेशों के लिए भी अपने को आप ही दोषी मानते हैं। अब है मानसिक कुलीपन। यह दूसरे के दायित्व को खामखा खुद पर ढोने व ओढ़ने की मानसिकता भी स्वस्थ मानसिकता नहीं है, यह तो निराकुलीनपन है। मानसिक कुलीपन तैत्तिरीय उपनिषद का ऋषि इससे मुक्त है, इसलिए वह अपने अच्छे आचरण के अनुसरण की बात करता है। इसी तरह यदि युवा पीढ़ी को धर्म ग्रंथों का अध्ययन के लिए प्रेरित करने के साथ यह भी समझा दिया जाए कि पूरे के पूरे ग्रंथ कम से कम आज आदर्श नहीं, इनमें से जो श्रेष्ठ और निर्दोष है वही आज हमारे लिए आदर्श है, उसे भी हम मानते हैं। शेष की ऐतिहासिकता महत्ता है, आदर्शिक नहीं तो सारा लफड़ा ही हल हो जाएगा, सारा मनोवैज्ञानिक तनाव ही दूर हो जाएगा और हमारी सारी बौद्धिक उठापटक ही खत्म हो जाए। शास्त्रों अर्थात धर्म ग्रंथों के प्रति हमारा दृष्टिकोण मूलतः गलत है, वे तो जैसे हैं वैसे हैं। वस्तु जब हम स्वयं शास्त्रों से भी बढ़कर ज्यादा शास्त्रवाद बनने का ढोंग करते तब स्थिति उलझती है। दूसरे आज के बदलते हालात में निंदीय और प्रशंसनीय उसे जब दूसरे हालात में लिखे गए ग्रंथ में हम नहीं पाते तो परिप्रेक्ष्य के गलत होने के कारण हमें परेशानी होती है। जो आज विधवा विवाह का औचित्य मानते हैं वे विधवा विवाह विरोधी प्राचीन पोथों में जब उसे नहीं पाते तो कई तरह के हाथ पैर मारते। प्राचीन पोथों में बहुविवाह की प्रथा सामान्य है, परंतु आज उन बहुपत्नियों वाले आदर्श नायक को एक पत्नी वृत्ति बनाने के लिए कवायद की जाती है। आज जिस पशु का मांस खाना निषिद्ध है प्राचीन पोथों में जब उसके मांस को खाने का वर्णन उपलब्ध है तब हमारा अज्ञान ही शाकाहार खाने लगता है। अगला है विक्षुब्ध हिंदुत्व। कहने का भाव यह है कि अपने आज की मान्यताओं के अनुरूप हम उन ग्रंथों को देखने की उत्कृष्ट इच्छा से प्रेरित होकर उन्हें लिखे को अनदेखा करना चाहते हैं। यदि कोई उनमें लिखे परंतु जानबूझकर अनदेखा किया गए अंश को हमें दिखा दे तो हम दोष उन ग्रंथों को नहीं देकर दिखाने वाले को बताने लगते हैं, इससे गलत अर्थ निकलता है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि ग्रंथ में ये बात तो कही नहीं जा सकती। उन्हें हिंदू धर्म का खतरा मंडराता हुआ दिखाई देने लगा। उन्हें लगता है कि वे बात पढ़कर लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे, हिंदू धर्म रसातल में चला जाएगा। क्या हिंदू धर्म इतना कच्चा धागा है? क्या उसकी तरह की बातें नहीं पड़ी हैं? क्या उसका कोई ठोस आधार नहीं? क्या लोग केवल इसलिए हिंदू बने हुए कि उन्हें इस तरह की बातें नहीं पड़ी हैं? नहीं तो कब के मुसलमान ईसाई बने होते? क्या हिंदू धर्म बालू की भीत पर खड़ा है? क्या चुल्लू भर पानी में ईमान बह जाएगा? क्या अर्थ बदली जैसी बौद्धिक छल प्रक्षेपवाद जैसी बौद्धिक बेईमानी आदि के बिना हिंदू धर्म के लिए खतरा पैदा हो जाएगा? आखिर यह कथित खतरा किससे है और क्यों है? कुछ वर्ष पूर्व पुरी के शंकराचार्य ने एक पत्रिका को दिए साक्षात्कार में जब कहा था कि छुआछूत शास्त्रों में आदिष्ट है, जब उन्होंने या एक शंकराचार्य ने कोलकाता विश्वविद्यालय के एक समागम में एक स्त्री द्वारा कुछ वर्ष पूर्व पुरी के शंकराचार्य ने एक पत्रिका को दिए साक्षात्कार में जब कहा था कि छुआछूत शास्त्रों में आदिष्ट है जब उन्होंने या एक अन्य शंकराचार्य ने कोलकाता विश्वविद्यालय के एक समागम में एक स्त्री द्वारा वेद मंत्र उच्चारण पर यह कहकर आपत्ति की थी कि स्त्री का वेद पढ़ना शास्त्रों के विपरीत
और जब यह काशी कामकोटि के शंकराचार्य ने यह कहकर शास्त्रों में यज्ञ के लिए गोवध का आदेश मौजूद है उस बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था जिसे आर्य समाज के नेता स्वामी विद्यानंद सरस्वती लिखकर लाए थे, तो काफी हो हल्ला मचाया गया कि यह कह दिया गया कि वह कह दिया, परंतु शंकराचार्य शास्त्रों की दृष्टि से बिल्कुल सही थे। उन्होंने न अर्थ बदले, नए परिच्छेदवाद का सहारा लिया था और न ही अन्य किसी प्रकार का बौद्धिक छल कपट किया था, क्योंकि उन्हें न हिंदू धर्म का खतरा महसूस हुआ था और न ही अधार्मिक तरीके से धर्म की तथाकथित सुरक्षा की बात ही उन्हें भाई थी। कई लोग कह देते हैं कि हर ग्रंथ से आपत्तिजनक अंश को निकाल के बाहर कर देना चाहिए, परंतु यह बहुत ही गलत काम होगा। एक ऐतिहासिक बपौती से छेड़छाड़ होगी और भावी पीढ़ियों से धोखा। हर ग्रंथ उसी रूप में रहना चाहिए जिसमें वह है और उसके वही अर्थ करने चाहिए जो सदियों से उसके लोग करते हुए मानते चले आ रहे हैं तथा जो बिना खींचा ताने के आमतौर पर उसके बनते हैं, भले ही वे कईयों को हजम न होते हों। तभी हम अपने अतीत को भली भांति जान पाएंगे, तभी भावी पीढ़ी अपने पूर्वजों के सांस्कृतिक जीवन की सही झलक पा सकेंगे। बस उन ग्रंथों के प्रति केवल दृष्टिकोण सही रखने की जरूरत है, केवल परिप्रेक्ष्य के बदलने की आवश्यकता है। उन्हें अतीत के अभिलेख समझकर पढ़ा जाए, न कि वर्तमान के लिए अनिवार्य है, अपरिहार्य है, वह सर्वांश है, अनुकरणीय आदर्श ग्रंथ। यदि ऐसा नहीं होगा तो हर बात पर हर ग्रंथ के संदर्भ में स्थिति विवादास्पद ही बनी रहेगी। अभी पिछले दिनों एक हिंदूवादी संगठन ने गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया है, परंतु गीता के इस कथन का वह संगठन क्या करेगा जिसमें स्त्रियों, वैश्यों, शूद्रों को पाप योनि पाप से पैदा होने वाले कहा गया है। मैं इसका दोस्तों गीता के 9:32 से हिंदी में इसका अर्थ बताता हूँ। अर्थात हे अर्जुन, मेरा आश्रय लेने से पापों से उपजे ये लोग स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी परम गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि कई लोगों ने पहले ही इस श्लोक का अर्थ बदलने के प्रयास आरंभ कर रखे हैं। वे कहते हैं कि श्लोक का अर्थ है हे अर्जुन, मेरा आश्रय लेने से पापियों ने स्त्री वैश्य शूद्र भी परम गति को प्राप्त होते हैं। हम अपनी ओर से इस प्रयास को चुनौती देने के लिए कोई तर्क प्रस्तुत नहीं करना चाहते, अतः यहाँ हम गीता के प्राचीनतम उपलब्ध भाष्य शंकर भाष्य को उद्धृत करना चाहते हैं जिसमें हिंदू धर्म के आदरणीय विद्वान आदि शंकर ने 8वीं शताब्दी में लिखा था। वे लिखते हैं ये गीता के 9:32 पर शंकर भाष्य में, अर्थात पाप योनि पाप में है, योनि जन्म जिनका अर्थात पाप जन्मे हैं वे कौन है, इसका उत्तर स्त्री अवस्था शूद्र है। यदि आदि शंकराचार्य ने विशेष तौर पर प्रश्न उठाकर कि पाप योनि कौन है बताया कि स्त्रियां, वैश्य और शूद्र पाप योनि, इसके आलोक से कथित राष्ट्रीय ग्रंथ के पक्षधरों की यदि कोई चुनौती देता है तो उसे कोई कैसे दोष दे सकता है। पाली त्रिपिटक का यदि अवलोकन करें तो हम बुद्ध को कहते हुए पाते हैं कि आओ मेरे धर्म की पहले जाँच परख कर लो। वे निमंत्रण देते हैं कि उसे स्वीकार करने से पहले जाँच पड़ताल करो, सब कुछ सामने पड़ा है, भली भांति परखो। तत्व संग्रह पंजिका में बुद्ध के मुंह से कहलवाए गए एक श्लोक में कहा गया है, इसको मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। अर्थात जैसे सोने को तपाकर, काटकर और कसौटी पर रगड़कर उसकी परीक्षा ली जाती है, उसके शुद्ध अथवा मिलावटी होने का निर्णय किया जाता है, उसी प्रकार हे पंडितों, हे भिक्षुओं, मेरे वचनों को जांच परख कर स्वीकार करो, उन्हें मेरे प्रति सम्मान की वजह से मत स्वीकार करो। इस तरह के वचन किसी कथित हिंदू संगठन, हिंदू नेता, हिंदू धर्माचार्य आदि के मुंह से किसी ग्रंथ से क्यों नहीं कभी निकले। वे अर्थ बदलने, प्रक्षेप घोषित करने आदि के मामले में इतने मुखरे होने के बावजूद पूर्वोक्त तरह के वचनों के संदर्भ में मूक मौन क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें बौद्ध धर्म चट्टान पर और धर्म बालू की भीत पर खड़ा प्रतीत होता है? यह आत्मविश्वासहीनता का आलम क्यों? बुद्ध भारतीय जनसंख्या के केवल 0.08% हैं। बुद्ध उन सब चीजों बातों का विरोध करते हैं जिन्हें आज ऐसे हिंदू छिपाना चाहते हैं, जिनका या तो परिक्षेप सीधा नहीं है या फिर जिनके स्वार्थों की पूर्ति उन स्थलों को छिपाने से सुरक्षित है। यदि हिंदू ग्रंथों और वर्तमान हिंदू धर्म में इसके भविष्य पर एक नज़र डाले तो पाएंगे कि अनेक वर्तमान कुरूतियों की जड़ें प्राचीन ग्रंथों में ही हैं, कि उसकी चिंतन धारा उसकी छाया से ग्रस्त है, कि हमारे सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयत्नों के मार्ग से उन्हें कहाँ अनुकूलित मानसिकता आड़े आ रही है।
उनमें कई ऐसी धार्मिक सामाजिक प्रथाएं व उक्तियां हैं जिनकी वजह से आज कई लोग शर्मसार होना अपना कर्तव्य समझते हैं कि उनमें ऐसी कई बातें हैं कि यदि उनको सामने लाया जाए तो धर्म के धंधेबाज धर्म को खतरे में ठेस की दुहाई देने लगते हैं, क्योंकि धर्म के धंधेबाज आमतौर पर थोड़े बहुत पूजा पाठ और थोड़े बहुत किस्से कहानी को ही अपना धर्म समझते हैं। उतने से ही जब उनका हलवा मंडा बढ़िया चल रहा हो तो उससे ज़्यादा कुछ स्वाध्याय क्यों करें, और उसके उन्हें धर्म रक्षा के लिए चंदा व फंड इकट्ठा करने का बहाना भी मिल जाता है। जो धर्म को धंधे के तौर पर नहीं देखते, जिनके लिए हिंदू समाज का उज्जवल भविष्य सर्वोपरि है, वे स्पष्ट है धर्म के धंधेबाजों को फूटी आंख भी नहीं सुहाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो हमारे पेट पर लात मारते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनाते हैं। और उस तरह के जागवे लोग फिर न अंधविश्वासी रहते हैं, न हमारी हर बात पर विश्वास करने वाले सहज विश्वासी। हमारा उद्देश्य न किसी के पेट पर लात मारना है, न किसी की दुकानदारी बंद कराना है। हम तो व्यापक हिंदू हितों के मद्देनज़र एक विनम्र सेवक की तरह इस विराट समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह मात्र कर रहे हैं। कई मित्र प्रश्न उठाते हैं कि जिस तरह तुम हिंदू धर्म पर लिखते हो उसी तरह दूसरे धर्म पर क्यों नहीं लिखते। यह प्रश्न बहुत बार जिज्ञासावश नहीं उठाया जाता, इसके पीछे दूसरी ही मनोवृत्ति काम करती हुई दिखाई दे जाती है। वस्तुतः जब उनके पास कोई रचनात्मक तर्क नहीं होता तो वे यह कहने के लिए उपयुक्त प्रश्न किया करते हैं कि तुम हिंदुओं की आलोचना तो करते हो, परंतु यदि तुम इसी तरह मुसलमानों आदि की आलोचना करोगे तो वे तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। तुम उनकी आलोचना इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम उनसे डरते हो, हिंदू तो बेचारा सुशील है, कुछ कहते नहीं, अतः उनकी आलोचना करते रहते हो आदि। इस विषय में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उपयुक्त तरह की मानसिकता हिंदू समाज को सुधरे हुए रूप में देखना नहीं चाहती। जो लोग अपने समाज को अपने धर्म को सुधार कर श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं वे इस तरह की पराजित व हताश मानसिकता के शिकार नहीं होते। मैं हिंदू समाज के बारे में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि यह मेरा अपना समाज है, मेरा अपना परिवार है। अपने परिवार की बेहतरी के लिए हर व्यक्ति यत्नशील होता है, जिसे उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। यदि हम अपने परिवार के भले बुरे के प्रति संबंधशील नहीं है तो हमें वस्तुतः इंसान कहलाने का अधिकार ही नहीं है। अपने परिवार के भले बुरे के प्रति जो व्यक्ति सम्मान होता है वह उसकी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। परिवार के सदस्यों में यदि कोई बुरी आदत है, यदि कोई कमी है, तो उन्हें इस तरह की झिड़कता फटकारता भी है, परंतु सदा इस भावना से कि वे ठीक हो जाएं और परिवार के प्रतिष्ठित सदस्य बने रहे, उसकी समालोचना हमेशा निरपवाद रूप में सद्भाव और सद्भविष्य प्रेरित रहती है। इसके पीछे यह भावना कदापि नहीं होती कि परिवार के भय आलोच सदस्य नष्ट हो जाए, परिवार का सत्यानाश हो जाए और परिवार दूसरों की दृष्टि में आस्पद बन जाए। दूसरे इसका एक अन्य कारण भी है, यदि कोई एक समाज के व्यक्ति दूसरे समाज के सुधार के लिए काम करता है तो वह एक तरह से अनाधिकार चेष्टा करता है। वह अपने काम द्वारा यह संदेश देता हुआ प्रतीत होता है कि उस समाज में कोई इतना समझदार नहीं कि अपने समाज के सुधार के लिए यत्न कर सके, अतः मैं उसको सुधार कर रहा हूँ, यह दंभ है, मुझे इससे घृणा है। तीसरा, दूसरे के यहाँ सुधार का कार्यक्रम चलाने के लिए वही जा सकता है जिसे अपने यहाँ सब कुछ सुधार लिया हो। इस दृष्टि से देखने पर पता हूँ कि अपने यहाँ अभी बहुत कुछ करने योग्य है। अपने घर को छोड़कर, अपने घर को ऐसे ही छोड़कर दूसरे के यहाँ सुधार काम करने के लिए जाना तो ठीक वैसा ही होगा जैसे घर में बड़े बूढ़ों को भूखे रखकर मीडिया में नाम चमकाने के लिए बाहर फूटे पैकेट दान करते फिरना। आपका दान करना तभी ठीक कहा जा सकता है जब आप पहले अपने घर के बड़े बूढ़े सदस्यों का भरपेट भोजन करा ले। जब मैं अपने घर को ही नहीं सुधार पाया तब अपना पहला ही एजेंडा पूरा नहीं हुआ तो फिर दूसरे समाज धर्मों में क्या कर सकता हूँ। संकीर्णतावाद बनाम मानवतावाद, कोई कह सकता है कि यह संकीर्णतावाद है। मेरा कहना है कि यदि मैं 80-85 करोड़ हिंदुओं की बात करना संकीर्णतावाद है तो मुझे वह भी स्वीकार है। वैसे मैं नहीं समझता कि उन लोगों की बात करना जो विश्व की जनसंख्या 7वां-8वां भाग हो, क्योंकि विश्व की जनसंख्या का हर 7वां या 8वां आदमी हिंदू है। संकीर्णतावाद यह तो बहुत मानवतावाद है। मानवता की इतनी बड़ी इकाई की बात करना किसी तरह संकीर्णतावाद नहीं हो सकता। मानवतावाद को जब हम व्यवहार में लाते हैं तो हम अपनी मानवता की ही सेवा कर पाते हैं। जितनी हमारे प्रत्यक्ष और परोक्ष संपर्क में आता है हम किसी अमूर्त मानवता की सेवा नहीं कर सकते।
संगीनता बात तब होता है जब हम मानवता के एक अंश को अनुचित महत्व देते हैं और शेष के प्रति पूर्वाग्रस्त हो जाते हैं, परंतु समाज सुधार के लिए एक अंश तक अपने को सीमित करने का अर्थ न तो किसी अनुचित महत्व को देना है और न ही किसी के दूसरे प्रति पूर्वाग्रस्त होना है। यह तो इतना ही है, क्योंकि एक समय में जब संदर्भ में सक्रिय हो पाना असंभव है। अतः श्रम विभाजन कर लें। श्रम विभाजन एक ऐसी वास्तविकता है जैसे हम चाह कर भी इच्छा नहीं छुड़ा सकते। यह तब तक दोषपूर्ण व्यवस्था का रूप धारण करता है जब श्रम के विभाजन के साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन किया जाने लगे और उस श्रम से लाभान्वित होने वाले का भी तथा वह भी अन्यायपूर्ण व अतर्क संगत ढंग से। हम न तो यह कह सकते हैं कि दूसरे समाज धर्म हमसे घटिया है, न यह उन्हें हमारे वर्चस्व को स्वीकार करना होगा। इस तरह हम यह भी नहीं कह सकते कि उन समाजों के समाज सुधारक हमसे हीन है या वे हमारे समाज सुधारकों से अवश्य प्रेरणा ग्रहण करें। अतः संकीर्णतावाद का दोषारोपण करना सरासर अन्याय है। दूसरे समाज में यदि कोई बुराई है तो उसका हल उस समाज के हितैषी खोजेंगे। जो बीमार है उसे दवाई खानी ही होगी। अब यदि वह कड़वी है और कोई रोगी इसे आधार पर यदि डॉक्टर से यह कहे कि तुम मुझे तो यह खिला रहे हो, कह को खिला कर दिखाओ, तुम उसे नहीं खिलाओगे क्योंकि तुम उससे डरते हो, तो उसके इस प्रलाप की कोई क्या कोई ध्यान देगा? डॉक्टर ने तो क्या उस रोगी के अपने परिजन भी इस कुतर्क के लिए उसे फटकार ही डालेंगे। यदि कोई मित्र इस रोगी की तरह सोचता है तो उसे इस तरह की बातें करने और हिंदू समाज के हित चिंतकों होने का ढोंग रचने के बजाय उस तरह का प्रयास करना चाहिए जिससे उसका अपना परिचय दुरुस्त हो सके। हिंदू समाज को हर हिंदू की जरूरत है, परंतु स्वस्थ मानसिकता वाला हिंदू ही इस किसी काम को कर सकता है। जिससे अपनी मानसिकता अस्वस्थ हो वह तो इस स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बढ़ा सकता है। जो लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि तुम दूसरे समाजों के बारे में उस तरह क्यों नहीं लिखकर जैसे हिंदू समाज के बारे में लिखते, तो वे वस्तुतः न तो यह चाहते हैं कि हिंदू समाज को सुधार और नहीं यह चाहते हैं कि दूसरे समाज सुधरे। वे केवल यथास्थितिवाद चाहते हैं ताकि उनके निहित स्वार्थों की निर्बाध पूर्ति होती रहे। ये वे लोग हैं जो दूसरे समाज के जिन बातों के लिए निंदा करते नहीं अगाते, उन्हीं बातों के लिए हिंदू समाज में देख कर भी अनदेखा करने में सिद्धस्त हैं। हिंदुओं की कमजोरी पर पर्दा डालकर दूसरों की निंदा करने की यह विकृत मनोवृत्ति वस्तुतः हिंदू समाज को आत्मतुष्ट बनाती और दूसरों को चढ़ाती है। इससे न हिंदुओं का भला होगा न दूसरों का। 1926 ईस्वी में शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव आदि ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इस सभा द्वारा सभी धर्मों की बुराइयों पर खुलकर चोट की जाती थी, परंतु इस संबंध की नीति यह रखी जाती है कि जो जिस धर्म में पैदा हुआ है वह उसी धर्म की बुराइयों को वर्णन करे ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी की गुंजाइश ही न रहे। मंथन नाथ गुप्त, क्रांति दूत भगत सिंह और उनका युग द्वितीय संस्करण 1975 पृष्ठ संख्या 123 पे इस चीज को देखें। श्री श्री गुप्त अपने दूसरी पुस्तक क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक इतिहास 1980 ईस्वी में लिखते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद आदि ने प्रत्येक धर्म को मानने वालों के लिए यह जरूरी समझा दिया कि वे क्रांतिकारी तभी समझा जाएगा जब वे सार्वजनिक रूप से अपने धर्म की कमियों का पर्दाफाश करेगा। इस मामले में भगत सिंह, भगवत चरण और चंद्रशेखर आजाद की नौजवान भारत सभा सारे पिछले क्रांतिकारी को पीछे छोड़ आई थी। प्रश्न संख्या 206। इस प्रकार हम देखते कि हमारे क्रांतिकारियों की देशभक्त स्वतंत्र संग्राम के सेनानियों की परंपरा भी यही रही होगी। धर्म की कमियों, कमजोरियों और बुराइयों को छिपाया नहीं जाना चाहिए बल्कि उन्हें सबके सामने रखना चाहिए ताकि समाज में धर्म का सुधार हो सके। इसके साथ ही वे इस बात को भी अनिवार्य बनाते हैं कि किसी के दूसरे के धर्म की बुराइयां, कमी आदि की चर्चा न करके खुद अपने धर्म की बुराई और कमी आदि की चर्चा करनी चाहिए। इससे डरने और डराने की कोई बात नहीं थी। डरते तो वे गोली और फांसी से भी नहीं थे, बस वे समझते थे कि यदि आदमी अपने धर्म की बुराई आदि की चर्चा न करके दूसरे के धर्म की बुराइयों की चर्चा करेगा तो इससे गलतफहमी पैदा होने की गुंजाइश बन जाती है। जहाँ गलतफहमी की गुंजाइश होती है वहाँ सुधार का अंतिम लक्ष्य दुष्प्रभावित होता है। अतः अपने धर्म की कमियां, बुराइयां आदि की आदमी की चर्चा करनी चाहिए। यही क्रांतिकारी का सुविचारित मत है। और यदि इस देश समाज धर्म पर हंसते हंसते कुर्बान हो जाने वाले शहीद का मार्ग है। कुमार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तब वह एक हाथ से उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पीटता है, थपथपाता, परंतु उसका दूसरा हाथ अंदर से उसे पूरी तरह से थामे रहता है ताकि वह अंदर से धसकर नष्ट न हो जाए। वह यह सब इसलिए करता है, उसका उद्देश्य एक नए बर्तन का निर्माण करना होता है न कि ध्वंस करना। समाज सुधारक भी एक तरह से कुमार की भूमिका निभाता है। वह समाज का विनाश नहीं नव निर्माण करना चाहता है। वह कुमार की तरह जब समाज को किसी बुराई के लिए डांटता है तो अंदर उसे सहानुभूति उसी के साथ रहती है। जिस तरह बिना अंदर से पूरी तरह थामे कुमार बर्तन बना ही नहीं सकता,
उसी तरह बिना अपना सारी सहानुभूति समाज के साथ किए और कोई समाज सुधार के लिए प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। केंद्र बिंदु यही सहानुभूति और संवेदना है जिसके बिना समाज सुधार की परियोजनाओं की आधारशिला रखी ही नहीं जा सकती। इसके बिना जब कोई आलोचना करता है तो यह मिट्टी के उस गीले बर्तन को अंदर से थामे बिना ही बाहर से पीटने लगता है। आलोचना और समालोचना में यही अंतर है। मैं जब हिंदू समाज की समालोचना करता हूं तो परिवार के प्रति उत्तरदायित्व संबंध वाले एक सदस्य के नाते ही की जाती है, क्योंकि मेरी सारी सहानुभूति इसी के साथ होती है, क्योंकि मैं इसमें जन्मा, इसी में पला और यही मेरे इर्द गिर्द है। इसलिए मैं इसकी कमियों से भी परिचित हूँ और इसलिए उन्हें दूर करने के मन में तीव्र इच्छा जागृत होती है। मैं जिस समाज का अभिन्न अंग नहीं हूँ उसके साथ मेरी सहानुभूति और औपचारिकता ज्यादा होगी, स्वाभाविक कम। यह मानवीय मनोवैज्ञानिक की व्यवस्था है। अतः मैं अपने समाज की बेहतरी के लिए जैसे जज्बा पैदा होना स्वाभाविक, वैसे दूसरे समाज के संदर्भ में कमी पैदा हो पाता है। इसलिए दुनिया में शायद एक भी समाज सुधारक ऐसा नहीं मिलेगा जिसने किसी दूसरे समाज के सुधार के लिए कभी बीड़ा उठाया हो। ऐसा भी एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं मिला जो किसी दूसरे देश को स्वतंत्र कराने के लिए फांसी पर चढ़ा हो। स्वाभाविक सहानुभूति जिस दूसरे समाज के प्रति पैदा नहीं होती उसकी बेहतरीनते के लिए आप भली भांति काम भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं दूसरे समाजों के बारे में नहीं लिखता, मैं उसी समाज के बारे में लिखता हूँ और लिख सकता हूँ जो मेरा है, जिसके साथ मेरी सारी सहानुभूति है और जिसके भविष्य से मेरा भविष्य पृथक नहीं किया जा सकता। हिंदू समाज को अपने धर्म और धर्म ग्रंथों को स्वयं शुद्ध लेनी होगी। हर हिंदू को चाहिए कि वे अपने धर्म ग्रंथों को स्वाध्याय करें। हमारे धर्म की छोटी छोटी बातें भी मूल रूप से संस्कृत में निहित है, अतः हर हिंदू के लिए संस्कृत का ज्ञान अनिवार्य है। वह हिंदू ही क्या जैसे थोड़ी बहुत संस्कृत भी नहीं आती हो। आज वैसे हिंदी में बहुत से ग्रंथों का अनुवाद उपलब्ध है। इस पुस्तक के प्रकाशन के चारों वेद हिंदी में अनुमोदित रूप से प्रकाशित किए हैं। संस्कृत न जानने वालों के लिए हिंदू के लिए जरूर कि वह इन्हें पढ़े। यह सनातन घोष है कि रित ज्ञान न मुक्ति, बिना ज्ञान के कल्याण नहीं। धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हमारी अनेक भ्रांतियां मिथ्या दृष्टियों को दूर करेगा और हमें अपना पथ प्रशस्त करने में सहायता देगा। निहित स्वार्थी तत्व धर्म ग्रंथों के बारे में आम हिंदू के अज्ञान का ही अनुसूचित लाभ उठाकर उसे भ्रम में डालते हैं और उसे बौद्धिक व आर्थिक शोषण करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे प्रवचन सुनो, परंतु हम कहते हैं कि अपने धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करो। वेदों को पढ़ो, गीता को पढ़ो, रामायण और महाभारत को पढ़ो, विभिन्न दर्शन शास्त्रों को पढ़ो, पुराणों आदि को पढ़ो, यहाँ तक कि सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ो। उन्हें धर्म ग्रंथों को अंधश्रद्धा से नहीं विवेक पूर्वक पढ़ो, क्योंकि यदि आंख बंद करके पढ़ोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि शास्त्र पढ़कर भी आदमी मूर्ख का मूर्ख रह जाता है। अगला है, अर्थात जिसके पास अपनी बुद्धि प्रज्ञा विवेक नहीं शास्त्र उसका क्या भला करेगा। जिसके पास आंखें नहीं दर्पण उससे क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। इस बात का महत्व नहीं कि कोई आप कितने दूर तक चले, बल्कि असली महत्व इस बात का होता है कि आप किस दिशा में चले हैं। इसी तरह ग्रंथों को पढ़ने तक का कोई महत्व नहीं होगा जब तक उन्हें भली भांति सही प्रक्षेप में न पढ़ा जाए, अर्थात जो वेद को पढ़कर भी उसके अर्थों को भली भांति नहीं समझता वह फूट मात्र है और केवल शब्दों का भार ढोता है। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से धर्म ग्रंथों को स्वाध्याय करो और उनके मर्म तक पहुंचो। धर्म ग्रंथों में कोई कौन सा सनातन अंश है और कौन सा तात्कालिक, यह देखना भी और समझना होगा। कौन सी बातें धर्म और कौन सी इतिहास तथा कौन सी मिथ्या, यह विवेक भी करना होगा। जिन चीज़ों को अपनाने के कारण हम लाभान्वित हुए उन चीज़ों को निसंकोच अपनाना होगा, भले ही उन्हें अपनाने के कारण दुनिया हमारा मजाक उड़ाए। परंतु जिन चीज़ों को अपनाने के कारण हम इतिहास के मुँह की खाने को विवश होते रहे उन्हें त्यागना होगा, भले ही हमारा उनसे अंधा मोह क्यों न हो। जाति पाति सामाजिक अन्याय इलाकावाद भाषावाद लिंगगत भेदभाव विभिन्न रंगों के अंधविश्वास आदि को छोड़ना हो, क्योंकि इनसे हिंदू समाज के अतीत ने हानि उठाई है और वर्तमान में भी उठा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सही परिप्रेक्ष्य ही हमारे मार्ग को आलोकित कर सकते हैं। अतः हमें अतीत जीवी नहीं भविष्य उन्मुखी होना होगा। धर्म के नाम पर बड़े बड़े धन फूकने वाले निरर्थक आयोजन आए दिन देखने को मिलते हैं। ऐसे कई आयोजन अनेक स्थानों पर वार्षिक कर्मकांड बन गए। इनमें न तो धर्म का कोई लाभ पहुंचता है न समाज को। इनके स्थान पर उस अकूत धनराशि को धर्म ग्रंथों के प्रकाशन और कम मूल्य पर उनके वितरण पर खर्च किया जाए तो हिंदू धर्म और हिंदू समाज को पर्याप्त लाभ हो सकता है। आज बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जो सदियों से पांडुलिपि के रूप में मठों पुस्तकालयों आदि में बंद पड़े हैं। ऐसे भी ग्रंथ हैं जो
10 को पूर्व कभी छपे थे परंतु बाद में अप्राप्त हो गए। इसी तरह ऐसे भी अनेक ग्रंथ हैं जिनकी हिंदी आदि भाषा में अनुवाद अभी तक नहीं हुए। ऐसे ग्रंथ भी कम नहीं हैं जो तिब्बत भाषा में अनुमोदित रूप से भी उपलब्ध परंतु जिनके मूल संस्कृत ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। ऐसे तिब्बती ग्रंथों के भी हिंदी में अनुवाद होने चाहिए। इस तरह बहुत सा प्राचीन हिंदू साहित्य जो आर्थिक कमी और हमारी आपराधिक उपेक्षा के कारण न आम आदमी तक पहुंचा है न विद्वानों तक। यदि व्यर्थ के धार्मिक आयोजनों के में दंग फूकने के स्थान पर इन पर काम में लगाया जाए तो क्रांतिकारी कदम सिद्ध हो सकता है। शास्त्र की अपनी सीमाएं भी हैं। हर शास्त्र मनुष्य की रचना है। भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास ने अपनी पुस्तक विविधार्थ प्रश्न संख्या 108 में एक श्लोक में लिखा है जो इस प्रकार है। मैं इसको आपको हिंदी में बताता हूँ। अर्थात शास्त्र कभी मनुष्य को पैदा नहीं करते बल्कि मनुष्य शास्त्रों को बार बार रचते हैं। हमारे 6 दर्शनों में से 5 पर संस्कृत के विद्वतापूर्ण टीका लिखने वाले 9वीं शताब्दी के वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि हमारे शास्त्री अपने सिपाओं को पहचानना होगा। 100 शास्त्र इकट्ठे होकर भी गढ़े को वस्त्र नहीं बना सकते। प्रसिद्ध न्यायिक भास्कर 9वीं शताब्दी के न्याय भूषण नामक अपने ग्रंथ में लिखा है कि यदि कोई ऋषि किसी शास्त्र में कोई ऐसा सूत्र लिख देता है जिसमें किसी पदार्थ को बाबत ऐसी बात है जो वास्तव में उसमें है ही नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि वह पदार्थ और ऋषि मुनि या शास्त्रकार के भय से अपना स्वरूप बदल लेगा। वह अपना स्वरूप कदापि नहीं बदलेगा बल्कि शास्त्रकार को अपनी बात पदार्थ के स्वरूप के अनुरूप बदलनी होगी संशोधित करने पर। दोस्तों देखें न्याय भूषण के प्रश्न संख्या 98 में मैं इसका हिंदी में बताता हूँ कि शास्त्रों को आंखें खोलकर पढ़ने पर उसकी सीमाओं को भली भांति समझकर चलने में ही भलाई है, अन्यथा हानि की पूर्ण संभावना है। मनुस्मृति के प्रसिद्ध संस्कृत के टीकाकार कुल्लुक भट्ट 12वीं शताब्दी ने मनुस्मृति की 12.113 की व्याख्या में एक प्राचीन श्लोक उद्धत करके कहा है कि सही गलत का निर्णय केवल शास्त्र के आधार पर नहीं करना चाहिए क्योंकि यह युक्तिहीन विचार लेकर चलोगे तो धर्म की हानि ही हुई उसका लाभ नहीं होगा। मनुस्मृति के 12.113 पर कुल्लुक भट्ट की मनवर्थ मुक्तावली नामक संस्कृत की टीका इसी से मिलती जुलती बात महाभारत में भी कही गई है। शांति पर्व के 141 से 142 में देखे मैं इसका हिंदी में आपको अनुवाद बताता हूँ। अर्थात हे अर्जुन, विद्वान व्यक्ति को धर्म अधर्म का निश्चय बुद्धि पूर्वक करना चाहिए और उसे तदनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। ध्यान रहे यहाँ महाभारत ने धर्म अधर्म के निर्णय में शास्त्र का नाम तक नहीं लिया है। महाभारत ने स्पष्ट तौर पर घोषणा की है धर्म सदा एक सा नहीं होता है, वह अवस्था हालात के अनुसार बदलता रहता है। शांति पर में एक श्लोक कहा गया दोस्तों, मैं इसलिए उसका हिंदी में अनुवाद बताता हूँ। संस्कृत थोड़ी मेरी इतनी अच्छी नहीं तो उसके लिए मेरे को माफ करें, तो मैं हिंदी में इसका बताता हूँ। इसलिए जब यह कहा जाता है कि कर्तव्य के मामले में शास्त्र ही प्रमाण है और यही बात गीता में लिखी गई है, उन्होंने कहा है, तब यह प्रश्न भी साथ ही पैदा होता है कि शास्त्र और अशास्त्र के मामले में क्या प्रमाण है। इसका उत्तर देते हुए मणिभद्र गुणरत्न से पूर्व पर समय अनिश्चित और गुणरत्न 1409 ईस्वी के संडक दर्शन समुच्चय के 8वीं शताब्दी की रचना की अपनी अपनी संस्कृत टीका में एक श्लोक उद्धत करते हैं जिसमें कहा गया है कि यदि कोई भी बात सच्ची है ठीक है तो उसे बुद्धिपूर्वक विचार करना चाहिए। तो जो लोग शास्त्र की बातों पर विचार करने में कतराते हैं वे अवश्य यह समझते होंगे कि वहाँ कहीं खोट है। क्या खरा सोना कभी कसौटी पे कसे जाने से डरता है? इस चीज को संडक दर्शन समुच्चय कारिका के 44 की व्याख्या में देखें कि प्रबुद्ध हिंदुत्व का यह निष्कर्ष है कि शास्त्र हमारे साधन है साध्य नहीं। साधन यदि सदोष हो तो उन्हें दोष रहित बनाने का यत्न करना चाहिए। सदोष साधनों से निर्दोष साध्य की प्राप्ति असंभव है। इसलिए योग वशिष्ठ ने कहा है कि यदि युक्ति युक्त बचक बालक भी कहे तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। युक्तिहीन वे सिर पैर की बातें तिनके की तरह त्याग देनी चाहिए भले ही ब्रह्मा ने ही कही हो। हिंदू समाज के इन मनी ऋषियों के इन सनातन वाक्यों के आलोक में ही शास्त्र धर्म आदि पर बुद्धिवादी व वैज्ञानिक दृष्टि से विचार संभव है। अतः ये वे ऐसे अन्य वचनों की सदा में पथ प्रदर्शन रहे हैं। पिछले 35 और 36 सालों से हिंदू धर्म के विविध आयामों पर समय समय पर ही जो खोज और भरपूर लेख लिखे गए हैं और सरिता में प्रकाशित होते रहे हैं उन्हें विषय की प्रशंसकता असंदिग्ध उपयुक्तता व उपादेयता के अनुसार चयनित करके पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया।
किया जा रहा है ताकि पाठक विषय की गंभीरता पर खुले मन से मनन कर सके। मुझे लगता है यह यथार्थ हिंदूवादी अध्याय 21वीं शताब्दी में नितांत प्रासंगिक रहेगा। विज्ञ पाठकों से निमंत्रण देते हुए हर्ष हो रहा है कि मैं आगे के पृष्ठों के अध्ययन के उपरांत खुद ही इस बात का निर्णय करें कि क्या हिंदू धर्म वालों की भीत पर खड़ा है। क्या बाबूजी अर्थात तत्वलीन विश्वनाथ जी सरिता व दिल्ली प्रेस पत्रिका समूह के संस्थापक एवं संपादक का स्मरण हो आना नितांत स्वाभाविक है, क्योंकि यथार्थ व प्रबुद्ध हिंदुत्व के उस पुरोधा ने ये सब लेख न केवल सरिता में प्रकाशित बल्कि अपने लेख लिखने के लिए उन्हें समय समय पर मुझे प्रेरित भी किया है। मैं प्रूफ जांचने में सहयोग के लिए श्रीमती सोमा सब लोग का आभारी हूँ। इसके अतिरिक्त मैं मानव अज्ञात बेटा अंजू पुत्र वधु और अभिनव शर्मा बेटा का आभारी हूँ तथा अपने प्रिय व नन्नी पोतियों प्रियंका व स्नेहा के प्रति भी अपना स्नेह अंकित करना चाहता हूँ। परंतु इस पुस्तक में प्रतिवादित विचारों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ, उनके लिए मेरे सिवा कोई अन्य किसी का जिम्मेदार नहीं है। ये चीज दोस्तों डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अज्ञात जी ने अपनी इस पुस्तक में कही है। मैं शर्मा जी के अगले पृष्ठ के बारे में आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। अब अगला चीज आती है भारतीय जीवन में पलायनवाद। दोस्तों इस चीज को मैं पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को मैं डाल चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि किताब 1800 पन्ने की है इस वजह से मैं इस चीज को मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। जो जो इस पुस्तक के जो वृत्तांत दिए हैं उनमें से कई चीजें मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, आप जाके देखें। मैं उन चीजों को मैं इस पुस्तक में छोड़ रहा हूँ, बाकी जो बचे हुए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं कुछ चीजों को इसमें छोड़ रहा हूँ, पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए मैं सारी चीजें जो भी है आपके सामने खुला होकर मैं इन चीजों को रख रहा हूँ। तो आप जाके मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जाके देखिए क्या बालों के बीच पर खड़ा है हिंदू धर्म, उसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना है। उसमें मैंने शंकराचार्य मेघस्थनीज और वेदों के बारे में भी चर्चा करी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जो चीज़ मेरे चैनल पर उपलब्ध नहीं है केवल इस पृष्ठ के वही चीज़ें मैं इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर पूरी पुस्तक को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ शायद 20 से 30 घंटे की होगी, इस वजह से 2-3 घंटे का जो भी कंटेंट है मैं पहले डाल चुका हूँ। मैं उनके अलावा जो भी बचा हुआ है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अगर आपको सही लगे तो आप कमेंट करके डालिए, अगर आप कहोगे तो उन चीज़ों को मैं दोबारा भी इस बुक में डालने की कोशिश करूँगा। चलिए मैं उन चीज़ों को छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम, इसमें एक अलग प्रसंग है जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, इस प्रसंग को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। भारतीय संस्कृति के व्याख्याते हुए नारियों के विषय में बात शुरू करते हैं तो प्राय मनु का एक श्लोक उद्धत करते हैं। श्लोक है मनु स्मृति के 3:56 में, आप देखें। मैं यहाँ पर आपको हिंदी में ही सारी चीज़ें बताऊँगा क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं, कई व्यूअर हैं जिनको संस्कृत नहीं आती है, तो इस वजह से मैं संस्कृत के वो श्लोक ना पढ़ के मैं उनका हिंदी में आपके सामने अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती वहाँ सब क्रियाएँ निष्फल होती हैं। वे इस प्रशंसात्मक श्लोक में भारतीय संस्कृति के नारी विषय दृष्टिकोण को समाहित कर देते हैं और निर्णय देते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी सदैव सम्मानित पद की अधिकारिणी रही है। उक्त मत प्रस्तुत करने वालों का वास्तविक आशय क्या होता है, वे क्या सोचकर तथा विधि निर्णय देते हैं, यह हमारी समझ से बाहर है। यदि हम भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि उपलब्ध अभिलेखों का तर्कपूर्ण व तटस्थपूर्वक विश्लेषण करें तो ज्ञात होता है कि वास्तविकता कुछ और ही रही। अब देखते हैं वेदों में क्या चीज कही गई है। हम भारतीय संस्कृति के प्राणभूत और प्राचीनतम अभिलेख ऋग्वेद में श्री गणेश करते हैं। ऋग्वेद में लिखा है इंद्र ने स्वयं कहा है स्त्री के मन को शिक्षित नहीं किया जा सकता, उसकी बुद्धि तुच्छ है। ऋग्वेद के 8:33-17 इसी प्रश्न अन्यत्र लिखा हुआ स्त्रियों के साथ मैत्री नहीं हो सकती, इनके दिल की लक्कड़ बग्गों के दिलों के से क्रूर होते हैं। ऋग्वेद के 10:95-15 में देखिए अथर्ववेद के 1:18-3 और 1 से ज्ञात होता है कि स्त्रियों को फुसला कर परंपरा की दुहाई देकर और प्राचीन धर्मों का नाम लेकर मृत पति के साथ जिंदा जलने के लिए कहा जाता है। इस मंत्र पर माध्वाचार्य का प्राचीन भाष्य उपलब्ध है। चतुर्वेदी संस्कृत चनावली प्रथम भाग प्रश्न संख्या 224-25 में आप देखें कि वेदों के बारे में उनके व्याख्यान रूप में ब्राह्मण ग्रंथ आदि, इनमें एक ऐतरेय ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ है
जिसका रचनाकाल 2500 पूर्व बताया गया था। राम गोविंद त्रिवेदी रचित वैदिक साहित्य संख्या 520 में इस पुस्तक के हरिश्चंद्र नारद संवाद में नारद कहता है, ऐतरेय ब्राह्मण के 7-3-1 में आप देखा, अर्थात पुत्री कष्ट प्रदा दुखदायी थी। दोस्तों यहाँ पर एक सोचने वाली चीज है कि अपने धार्मिक ग्रंथों में जो स्त्री की जो मनोदशा दिखाई गई है आप खुद देखें। मैं नहीं चाहता कि मुझे अपने हिंदू धर्म के बारे में किसी भी मित्र या अपने व्यूअर हैं किसी का धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी द्वारा जो एक किताब लिखी गई है केवल मैं आपके सामने उनकी बातों को मैं रख रहा हूँ। और अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी बात हो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं। पुत्री नारी का ही एक रूप है, उसके एक रूप के प्रति जो तिरस्कारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया वहीं उसके समग्र के प्रति भी समझना चाहिए। ऐतरेय ब्राह्मण के उक्त अंश पर भाष्य करते हुए पुराने विद्वान और भास्कर और सायणाचार्य ने एक प्राचीन श्लोक उद्धत किया है जिसका मैं हिंदी में अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अर्थात जब कन्या उत्पन्न होती है तब स्वजनों को दुख देती है, जब इसका विवाह करते हैं तब यह धन का अपहरण करती है, युवावस्था में बहुत सी गलतियां कर बैठती है, इसलिए दारिका अर्थात लड़की के पिता के हृदय को चीरने वाली कही गई है। अब भास्कराचार्य का निरुक्त, इसमें आप देखें कि ईसा से लगभग 800 वर्ष पहले आचार्य यास्क ने निरुक्त नाम की एक पुस्तक लिखी थी, उसका वैदिक साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान है। इसमें नारी के एक रूप बेटी के विषय में लिखा है, बेटी को दुहिता इसलिए कहा जाता है कि वह दुरिहता यानी बुरा करने वाली, और दुरिहता उससे दूर रहने की में ही भलाई है, यह दुग्धा माता पिता के धन को चूसने वाली। निरुक्ति के A 3 ख 4 में ये चीज कही गई है। इस पुस्तक के अगले अध्याय में कन्या शब्द की निरुक्ति देते हुए आचार्य यास्क ने लिखा है, कन्या कहने का मतलब यह है कि जो ही वह पैदा होती है त्यों ही यह चिंता उत्पन्न होने लगती है कि इसे किसके गले मढ़ेंगे। निरुक्ति के 4-15 में आप इस चीज को देख सकते हैं। इन उद्धरणों से तत्कालीन भारतीय संस्कृति नारी के जन्म के प्रति कुलुषित दृष्टिकोण का पता चलता है। अब बात करेंगे हम रामायण की। दोस्तों कालक्रम से अब हिंदुओं की बाइबिल रामायण का समय आता है। रामायण में नारी को मानवीय स्तर पर न लेकर अमानवीय स्तर पर ज्यादा लिया गया है। उसके चरित नायक के पिता दशरथ का 3-3 स्त्री से विवाह करना यह घोषित करता है कि तात्कालिक संस्कृति में नारी पुरुष की संपत्ति थी, उसकी विलास भूमि थी। यह इस तथ्य को झुठलाने के लिए कोई यह कहे कि संतान प्राप्ति के लिए 3-3 बार शादी की गई तो भी बात बनती नहीं। जिस गुरु के आशीर्वाद से 3 स्त्रियों के संतान उत्पत्ति हो सकती है वह गुरु पहले भी अपनी पहली ही रानी में ऐसा कर सकता था। यह बात नहीं कि दूसरे विवाह की अनुमति कुल गुरु से न ली गई हो। थोड़ी सी उकसाहट में राम के आदेश पर लक्ष्मण द्वारा शूर्पनखा की नाक काट देने भी यह दर्शाता है कि तत्कालीन आर्य संस्कृति में नारी के साथ सहानुभूति के साथ विवाह नहीं किया जाता था। कोटि कोटि भारतीय जनता की श्रद्धा की पात्र सीता के साथ भी यही कुछ किया गया। रावण से सीता को मुक्त कराकर भारत की संस्कृति के प्रति राम ने उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव नहीं किया गया, प्रत्युत उसे अग्नि परीक्षा के लिए बाध्य किया गया। जिस बात की आशंका थी राम ने वह भी कुछ समय बाद कर दिखाए। एक धोबी के घर से गुप्त रूप से सुनी वह सीता पर लगा गए लांछन को लेकर राम ने उसे अर्थात सीता को निर्वासित कर दिया। राम के इस उपेक्षापूर्ण आचरण का समाधान प्रस्तुत करते हुए कई राम भक्त कहते हैं कि राम का यह पक्ष सिद्ध करता है कि वह अपनी प्रजा के एक छोटे से नागरिक की भावना का भी ध्यान रखते थे। उनके मन में राम का यह आचरण भारतीय राजतंत्र का उज्जवल रूप प्रस्तुत करता है, परंतु उनका कथन राम के चरित्र का हास्यास्पद बना देता है। उर्मिला के विषय में लक्ष्मण की उपेक्षा भी यह सिद्ध करती है कि उस समय नारी से मानवीय स्तर पर व्यवहार नहीं किया जाता। अब बात करेंगे हम महाभारत की। महाभारत की नारी की स्थिति भी रामायण की नारी की स्थिति से अच्छी नहीं थी। महाभारत के चरित नायकों का चरित्र इस विषय में सबसे प्रथम आता है। उन्होंने नारी की विलास का साधन माना। इस आचरण का औचित्य प्रतिपादित करने के लिए महाभारत में कई समाधान दिए गए हैं जो पौराणिक समाधान के सिवा कुछ कुमालिल भट्ट के 5 पांडवों के इंद्रास होने की कल्पना की ओर लिखा कि पांचों पांडव मिलकर एक इंद्र बनता है, अतः पांचों से उपभुद्र द्रौपदी एक ही इंद्र से
भुक्त है। ये पौराणिक समाधान कितने दुर्बल हैं। जुए में सब कुछ हार कर युधिष्ठर द्रौपदी को दापट लगाकर उसे भी हार बैठता है। जब द्रौपदी को दुर्योधन के दरबार में उपस्थित करने के लिए दुशासन राजमहल में पहुंचता है तो वह चिल्ला उठती है, जुए में हार चुके पुरुष के पास ऐसा कौन सा अधिकार है कि वह अपनी पत्नी को दापट लगा दे और उसे दूसरों का गुलाम बना दे। उसका यह चित्कार तत्कालीन शोषित नारी के चित्र को प्रतिबिंबित करता है। स्मृति साहित्य। अब हम मनुस्मृति के कुछ श्लोक प्रस्तुत करते हैं जिन्हें मनु के नारी विषय विचार पूर्णतः स्पष्ट हो जाएंगे और सामान्य व्यक्ति को ज्ञात हो जाएगा कि जहाँ नारियों की पूजा होती है कहकर उसे प्रशंसा करने वाले मनु की नारियों के प्रति कैसी राय थी। निम्नलिखित स्थल मनु के नारी विषय दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में समर्थ होंगे। पुरुष को खराब करना स्त्रियों का स्वभाव है, अतः बुद्धिमानों को इससे बचना चाहिए। 2 और 213 के मनुस्मृति साहित्य में आप देखें, पुरुष विद्वान हो चाहे अविद्वान, स्त्रियां बुरे रास्ते पर डाल देती हैं। 2 और 214 में देखें। तीसरा है, चाहे माता हो चाहे बहन हो चाहे अपनी लड़की, उनके पास एकांत में नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां कई बार विद्वानों को भी खींचकर बुरे रास्ते पर ले जाती हैं। इसको 2 और 215। दोस्तों कितनी घटिया बातें इस चीज में लिखी गई हैं। सुरेंद्र कुमार अज्ञात जी ने इनकी पूरी बखेड़िया उधेड़ के रख दी इन चीज़ों को। आप खुल के इस चीज़ को इस पुस्तक में समझें मैं क्या कहना चाहता हूँ और आपके सामने इस पुस्तक की क्यों रखा हूँ। इस पुस्तक को ऑडियो फॉर्मेट में डालने में मेरे को कितना वक्त लग रहा है, कम से कम 10 से 15 दिन मेरे को इस चीज़ में और लगने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इसका 4था नंबर हम डालते हैं कि ललई लिए भूरे रंग वाली, 6 उंगलियों वाली, ज्यादा बालों वाली, बिना बालों वाली, ज्यादा बोलने वाली स्त्री के साथ विवाह ना करें। वे क्या करें, क्या माता पिता उन्हें सारी उम्र घर में बैठा सकेंगे, क्या वे आत्महत्या कर लें, क्या वे पेशा करने वाली वैश्या बन जाए, जिनका कोई भाई नहीं हो उसके साथ विवाह ना करें। ये सारी चीजें स्मृति साहित्य में सब लिखी हुई है दोस्तों। पुरुषों को दिन रात स्त्रियों की देखभाल करनी चाहिए, 9 से 2 में। यहाँ पर पुरुषों को दिन रात स्त्रियों की देखभाल करने का मतलब है कि एक तरीके से उन पर निगाह रखी जाए, उनको हमेशा एक अपनी सक्की दृष्टि से देखा जाए। चलिए दोस्तों, मैं आगे इन चीज को लेके चलता हूँ कि पुरुषों को कुमार अवस्था में पिता उसकी देखभाल करता है, ये बात की गई स्त्रियों के लिए। युवावस्था में पति, बुढ़ापे में पुत्र, नारी स्वतंत्र नहीं की जानी चाहिए। स्त्री को जरा जर सी भी बातों से बचना चाहिए, नहीं तो दोनों कुल की बदनामी होगी। 9 के 3 और 5 में देखें। अब 8वां देखते हैं हम, स्त्रियों को घर के काम और धर्म के कार्य में व्यस्त रखना चाहिए ताकि भी खाली समय प्राप्त न कर सके। 9 और 11 में देखें इसको। 9 भी हम बात करते हैं, स्त्री को बचाकर रखना चाहिए, वे सुंदर या कुरूप का भी ध्यान नहीं करती, वे किसी भी पुरुष की हो सकती हैं। इसको आप 9 और 14 में देखें। 10वां देखते हैं, स्त्री में क्रोध, कुटिलता, द्वेष और बुरे कामों में रुचि स्वभाव से ही होती है। इसको 9 और 17 में आप देख सकते हैं। 11वां अंक लेते हैं हम, स्त्रियों के संस्कार वेद मंत्रों से नहीं करने चाहिए, वे मूर्ख होती हैं, वे अशुभ होती हैं। इसको 9 और 18 में देखें। अब हम बात करते हैं 12वें की, विधवा स्त्री का दोबारा विवाह नहीं करना चाहिए, यदि किया जाए तो धर्म का नाश होगा। इसको 9 से 64 में आप देखें। अब आखिरी हम 13वें के बारे में बात करते हैं जिसमें लिखा है कि विधवा स्त्री का दोबारा विवाह नहीं किया जाना चाहिए, यदि किया जाए तो धर्म का नाश होगा। ये चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यदि सगाई के बाद ही भावी पति मर जाए, कन्या को उसके छोटे भाई से विवाह कर देना चाहिए। ये चीज लिखी गई है 9 के 69 में। इसमें देखिए 69 का मतलब 69। आगे हम बात करते हैं मनुस्मृति तथा अन्य स्मृतियों में स्त्रियों के दाय भाग के विषय में जो पश्चतापूर्ण विधान उपलब्ध है वे किसी भी व्यक्ति को करुणा जागृत कर सकते हैं। लेख वर्ष उन धर्मशास्त्र के प्रश्न संख्या 42 से लेकर 63 तक पढ़कर संक्षेप में हम इस विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस समय स्त्रियों को अचल संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। अब बात करेंगे हम पौराणिक शास्त्र की। पुराण साहित्य में बहुत सी ऐसे प्रकरण उपलब्ध हैं जिनमें बाल विधवाओं को सिर मुंडाकर और श्वेत वस्त्र पहन एकांत में रहने का आदेश दिए गए हैं। भागवत पुराण में तो यहाँ तक लिखा गया कि पति चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे कुबड़ हो, चाहे कोड़ी हो, स्त्री को उसे छोड़ने का अधिकार नहीं है। भारतीय इतिहास में कौटिल्य और उसके प्रसिद्ध अर्थशास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान है, अतः ऐसे आचार्य के
नारी विषयक विचार जानने को उत्सुकता उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। चाणक्य नीति दर्पण में चाणक्य ने लिखा है कि अग्नि, पानी, स्त्री, मूर्ख व्यक्ति, सर्प और राजा से सदा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये सेवा करते करते ही उल्टे फिर जाते हैं, अर्थात प्रतिकूल होकर प्राण हर लेते हैं। इसको आप 14वें और 12वें श्लोक में देखें। दूसरी बात करते हुए, स्त्रियां एक के साथ बात करती हुई दूसरी की ओर देख रही होती हैं और दिल में किसी तीसरे का चिंतन हो रहा होता है। इन्हें किसी एक से प्यार नहीं होता है। 16 के 2 अध्याय में देखें, स्त्रियां कौन सा दुष्कर्म नहीं कर सकती, इसको हम 10 से 10 के 4वें श्लोक में देखें। अब चौथी बात बताता हूँ आपके सामने कि झूठ, दुस्साहस, कपट और मूर्खता, लालच, अपवित्रता और निर्दयता स्त्रियों का स्वाभाविक दोष है। 2 के 1 में देखें। पंचतंत्र आदि प्रसिद्ध ग्रंथों में ऐसी कथाएं विद्वान है जिनका उद्देश्य नारियों को मूर्ख और मूढ़ सिद्ध करना है। 6वीं शताब्दी में भर्तहरि नामक एक राजा हुआ था जो कवि, नीतिवेत्ता और योगी के रूप में विख्यात है। उसने अपनी श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक में स्त्रियों के लिए बहुत घटिया किस्म के विश्लेषण प्रयुक्त किए हैं। उनकी बहुत सी भर्त्सना की है और उन्हें बहुत नीच सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। उसने श्रृंगार शतक के 76वें पद में लिखा है, स्त्रियां संशयों का भंवर है, उद्दंडता का घर है, उचिता अनुचित काम की शौकीन, बुराइयों की जड़, कपटों का भंडार, अविश्वास की पात्र होती हैं। पुरुषों को सब बुराइयों से भरपूर स्त्री से दूर रहना चाहिए। न जाने धर्म का संहार करने के लिए स्त्रियों की सृष्टि किसने कर दी। 8वीं सदी के महान हिंदू दार्शनिक शंकराचार्य ने स्त्रियों के विषय में जो विचार अभिव्यक्त किए हैं उन्हें पढ़कर आज ख्याल आता है कि इस अद्वैतवाद की अकल को क्या हो गया था। प्रश्नोत्तरी में उसने स्पष्ट किया है कि नारी नरक का द्वार है। 13वीं शताब्दी के बाद संत कबीर जैसे मार्गदर्शकों ने बहुत प्रभावशाली ढंग से परिवर्तन का चक्र चलाया, परंतु उनके स्त्री विषय विचार को वहीं रहे जो भर्तहरि और शंकर ने किए थे। कबीर ने लिखा है, नारी तो हम हूं करी कीन्हा नहीं विचार, जब जानी तब परिहारी नारी सकल विकार, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी क्यों गति नित नारी के संग। अर्थात तुलसी के नारी विषय विचार नितांत निम्न स्तर के हैं। वह लिखता है, ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। आप समझ सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे रंडी और रांड के बारे में, जो धर्म ग्रंथों में हमारे बारे में या स्त्री के बारे में जो चीज कही है। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। हमारी भाषा में रंडी और रांड 2 शब्द है। रंडी का अर्थ होते शिक्षार्थी। हिंदी शब्दकोश प्रश्न संख्या 688 में इस प्रकार लिखा है, धन लेकर व्यभिचार करने वाली स्त्री वैश्या और दूसरा विधवा। यही अर्थ इस शब्द के प्रमाणिक हिंदी कोश प्रश्न संख्या 694 में दिए गए हैं। पंजाबी भाषा में भी रंडी शब्द का एक साथ विधवा और वैश्या का वाचक माना गया। राण शब्द की वैश्या और विधवा दोनों को एक साथ अभिहित करता है। ब्रत हिंदी कोश प्रश्न संख्या 951 में इसका अर्थ इस तरह लिया गया है, वे बा विधवा जिस स्त्री का पति मर चुका, वैश्या रंडी। यदि अर्थ प्रमाणिक हिंदी कोश के प्रश्न संख्या 704 पर देखा जा सकता है, विधवा और वैश्या के लिए एक ही शब्द का होना विधवा को वैश्या और वैश्या को विधवा समझने के समान है, जो सर्वदा निंदनीय है। क्या हर विधवा वैश्या होती है या क्या हर वैश्या विधवा होती है? फिर दोनों के अंतर को धूमिल करने वाला दोनों का वाचक एक ही शब्द क्यों रख रखा है? क्या हिंदू भारतीय विधवाओं का अपमान नहीं? काशी की बाबत एक लोकोक्ति प्रचलित है, रांड, सांड, सीढ़ी, सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी। यहाँ काशी में रांडो, सांडो, सीढ़ी और सन्यासियों की बहुताय अभिव्यक्ति की गई, परंतु यहाँ प्रश्न उठता है कि रांड का क्या अर्थ लिया जाए, वैश्या विधवा? जो भी अर्थ लिया जाए वह क्यों लिया जाए, अर्थात उसे किस आधार पर स्वीकार किया जाए? ऐसे प्रसंगों में एक निश्चित अर्थ का प्रभाव बुरी तरह अखड़ता है। ऋग्वेद में विधवेवा देवरज 10:14:2 आता है। इसका अर्थ करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है, जैसे विधवा स्त्री देवरज साथ संतोत्पत्ति करती है वैसे ही तुम भी करो।
उन्होंने निरुक्ति यास के अनुसार देवर शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा, विधवा का दूसरा पति होता है उसको देवर कहते हैं। देखे ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का नियोग प्रकरण। मुझे यह समझ नहीं आता है कि विधवा और वेश्या को एक ही शब्द द्वारा अभिहित करने के पीछे काम करने वाली मानसिकता विधवा के प्रति अतिशय घृणा से प्रेरित है। प्रचंड कामुकता से जो भी हो, यह हमारे सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक जीवन पर एक कलंक से कम नहीं। इसे हटाए बिना भारतीय हिंदू विधवाओं के अपमान के नाम पर वाटर फिल्म के विरोध में गंगा में डूबकर अपने को आग लगाकर आत्महत्या करने के प्रयास में हम अपराध बोध से मुक्ति नहीं दिला सकेंगे। यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य कि रंडी और रांड का पुल्लिंग रंडुआ या रंडुआ है, जो केवल इतना अर्थ देता है कि वह जिस पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो, इसके साथ कोई दूसरा अर्थ नहीं जुड़ा है। होना तो यह चाहिए कि रंडुआ रंडुआ वेश्यागमनी का अर्थ देता है जैसे रांड और रंडी वेश्या कर देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि भाषा भी मर्द की दासी है या मर्द भी अपने वाचक शब्द के साथ अपमानजनक अर्थ को शिष्ट नहीं होने देता। पंचतंत्र जो चौथी शताब्दी ईस्वी की रचना मानी जाती में रंडा शब्द वेश्या के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसके 1 से 392 में लिखा हुआ है। इसी तरह यह शब्द 11वीं शताब्दी में रचित संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटकम में भी प्रयुक्त किया हुआ है। 2 से 38 में देखे, इस नाटक में रंडा शब्द विधवा के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसको आप 3 से 18 में देखें, स्पष्ट है कि पंचतंत्र पिछले 1600 वर्षों में रंडा शब्द को वेश्या के लिए प्रयुक्त करता चला आ रहा है, बाद में यह विधवा के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। जैसा कि प्रबोध चंद्रोदय नाटक से स्पष्ट है कि यह कटु तथ्य नारी के प्रति अपने दृष्टिकोण का ही परिचय है, इस सर्वेक्षण से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि इस देश में नारी के साथ पूर्ण मानवीय स्तर पर अतीत में कभी व्यवहार नहीं किया है। काश इस प्रकार के भ्रामक रचनाएं हमारी न होती। अब बात करें हमें रक्त से सने हुए प्रश्न। आज तक उपलब्ध बर्ड में मांस के पक्ष विपक्ष में काफी कुछ कहा सुनी और कहा सुना जाता है। इस दृष्टि में यदि प्राचीन भारतीय वर्णमय का अध्ययन करते हुए अनेक आश्चर्यजनक तथा विभत्स तथ्य मालूम होते हैं, यथा गौ को मारना, गौ मांस चर्बी से हवन करना, अलग अलग किस्म के मांस से देव और पितरों की तृप्ति की अवधि निर्धारित करना, ऋषि मुनि द्वारा कुत्ते आदि का मांस खाना इत्यादि। किस्सा सुने सेब का। कालक्रम के अनुसार पहले वेदों का पर्यालोचन किया जाना संगत होगा। ऋग्वेद की 1:24-12-15 में सनुसेब नामक पुरुष का वर्णन है, जिसमें नरमेध यज्ञ में बलि चढ़ाने की तैयारी है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 3 से पता चलता है कि वह ऋचक उर्फ अजीतगढ़ का पुत्र था, इसे राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में बलि देने के लिए लाया गया था। मनुस्मृति के 10 और 105 की मन अर्थ मुक्तावली नामक की एक प्राचीन संस्कृत व्याख्या से पता चलता है कि उक्त सनुसेब को उसके पिता अजीत गर्ग ने यज्ञ में बलि देने के लिए हरिश्चंद्र के हाथों स्वयं बेचा। इतना ही नहीं, वह 100 गऊओं के बदले यज्ञ में उसकी बलि भी स्वयं अपने हाथों देने के लिए तैयार हो गए। यह पिता पुत्र के मधुर संबंधों की शिक्षा जो हमारे पूज्य धर्मग्रंथ हमें देते हैं और जिनको बिना पढ़े सुने औसतन हिंदू इनके गुण गाते ही नहीं गाते। ऋग्वेद के व्याख्यान पर ऐतरेय ब्राह्मण में यह कथा कुछ इस ढंग से चित्रित की गई है कि नए तथ्य अवगत होते हैं और उक्त पुस्तक सप्तम पंचिका अध्याय 3 में लिखा है कि राजा हरिश्चंद्द के कोई संतान नहीं थे, इसलिए उन्होंने वरुण देव की उपासना की। वरुण ने प्रसन्न होकर वर दिया, संतान तो होगी पर बलि देनी होगी। राजा को रोहित नाम का लड़का तो हुआ, पर लड़के की बलि देने की बात राजा टालने लगा। अंत में राजा को रोग में पकड़ लिया, तब राजा ने अजित गर्ग ऋषि के पुत्र को सुने सेब को खरीद कर उसकी बलि देने तय किया। यज्ञ का समारंभ हुआ, वरुण को स्तुति कर सुने सेब ने मुक्ति पा ली, अन्यथा उसका कबाब बना दिया जाता। हरिश्चंद भी निरोग हो गया। सुने सेब ने लोभी पिता का त्याग कर दिया और विश्वामित्र ने उस पुत्र के रूप में अपना लिया। वैदिक साहित्य के प्रसंख्या 183 से 184 में यह कथा इसी रूप में सांख्यान ब्राह्मण 15 से 17 और ब्राह्मण पुराण के अध्याय 104 में भी उपलब्ध होती है। ऐसे ये प्रसंग आज तक लोगों ने लोमहर्ष नरसंहार करवाते आए हैं। ऋग्वेद के 10:86 और 14 में भी इंद्रदेव ने अपनी हाँकते हुए लिखा है, अर्थात मेरे लिए इंद्राणी द्वारा प्रेरित यज्ञकर्ता लोग 15 से 20 बैल मारकर पकाते हैं, जिन्हें खाकर मैं मोटा होता हूँ, मेरी कुछियों को सोम से भी भरते हैं। अब बात करें हमें गौहत्या की। ऋग्वेद के 10:89 और 14 से स्पष्ट होता है कि गौहत्या ऐसी मामूली बात थी कि बातचीत में उपमा के लिए इसका प्रयोग होता था। देखिए,
अर्थात हे इंद्र, जैसे गोहत्या के स्थान पर गो काटी जाती है, वैसी तुम्हारे इस अस्त्र से मित्र द्वेषी राक्षस लोग कटकर पृथ्वी पर सदा के लिए सो जाते हैं। ऋग्वेद के 5:29-7, 8:12-8 और 6:86-10 में देवताओं द्वारा बहुत सी भैंसे खाने का वर्णन है। आगे बढ़ने से पूर्व यहाँ पर संकेत कर देना उचित होगा कि आर्य लोग कुछ अपने देवताओं के लिए उपहार स्वरूप अर्पित करते थे या कुछ यज्ञों के लिए व्यग्रत करते थे। उसे वे स्वयं भी खाया करते थे, क्योंकि यज्ञ में स्वाहा होने से बचे पदार्थ को खाना परम पुण्य माना गया है। गीता के 3:13 में, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड के 103:30 में से पता चलता है कि लोग स्वयं जो खाते थे वही कुछ खाने वाले देवताओं की कल्पना कर लेते थे। मांसाहारी मांसभोजी देवता कल्पित करते हैं और शाकाहारी शाकभोजी। यजुर्वेद के 21वें अध्याय के 43वें मंत्र में कहा गया कि अश्विनी कुमारों के लिए बकरे की ताजी चर्बी से यज्ञ करना चाहिए। उबट में महिदर भाष में, और जो भी इस संसार में बहुत पशु वाला होम करके हूत सेव का भोक्ता, होम करने से बची सामग्री खाने वाला वेदवित मनुष्य जो प्रशंसा को प्राप्त है। यजुर्वेद के 1920 के स्वामी दयानंद कृत भाष में, यहाँ हम स्वामी दयानंद स्वामी वेदों के आधुनिक महापंडित की प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के 1875 के संस्करण का भी एक उद्धरण प्रस्तुत कर देते हैं जो असंगत न होगा। यहाँ हम दयानंद स्वामी वेद के आधुनिक महापंडित श्री प्रसिद्ध सत्यार्थ 1875 के संस्करण का भी एक उद्धरण प्रस्तुत करते हैं जो असंगत न होगा। उक्त पुस्तक में प्रस्तुत विषय में इस तरह छपा था, जहाँ गो में धादिक यज्ञ लिखे हुए, जहाँ पशु में नरों का मारना लिखा है, क्योंकि जैसे पुष्ट बैल आदि नरों में है वैसे गाय आदि नहीं होते, जो बंधा गाय होती है उसका भी गोमेद में मारना लिखा है। देखें प्रश्न संख्या 1875 के प्रश्न संख्या 303 में दयानंद भाव चित्रावली प्रश्न संख्या 28 पर उद्धृत है। अब बात करते हैं हम पुरुष मेध यज्ञ की। यजुर्वेद अध्याय 31 में पुरुष मेध यज्ञ जिसमें नरमली दी जाती है उसका विवरण उपलब्ध होता है। भूतकालीन क्रियाओं में जहां नव मंत्र में लिखा हुआ है, अर्थात उस एकीकृत पशु पुरुष रूपी पशु का जल छिड़क कर प्रोक्षण किया है, उसने देवताओं और ऋषियों की पूजा की है। 14वें मंत्र पुनः स्पष्ट लिखा है कि यज्ञ में पुरुष के मांस को हवि बनाया गया है। ये यजुर्वेद के 31 के 14वें उसमें देखें उबट भाष में, अर्थात जिस कारण पुरुष रूपी हवि यानी हमस सागरी में इंद्राणी देवों ने यज्ञ का विस्तार किया है। यजुर्वेद के 31:15 में देखें उबट भाष में, अर्थात यदि इंद्र आदि देवताओं ने पुरुष मेद यानी नर मेद यज्ञ का विस्तार किया, उन्हें पुरुष रूपी पशु का वध किया। अर्थवेद में मांस और शराब ऐसे प्रयुक्त हैं कि उनमें तात्कालीन समाज दोनों के मानते अपराध स्वरूप का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। साधारण बातचीतों में उपमाएं देने में ये दोनों सामान्यतः प्रयुक्त हैं। उदाहरण स्वरूप, तुम्हारे मन जैसे मांस में जैसे शराब में रमता है, वैसे ही तेरा मन बच्ची में भी रमे। अथर्ववेद के 6:70-1 में देखे अपूपो मालपुओ में, मांस वाले चरु को वेदों पर लाओ जिसमें से हमें देवों को भाग देना है। अथर्ववेद के 18:4-20 में देखे तेरे लिए जिस मक्खन भात और मांस को देता हूँ तुम्हारे लिए स्वाधाय वाला है, मधुरता से पूर्ण और घी से परिपूर्ण हो गए। अथर्ववेद के 18:4-42 इसी प्रकार का अथर्व 12:2-7 आदि स्थलों पर भी दृष्टव्य है। ग्रह सूत्रों में शूलगभ यज्ञ में गोवध देने का विधान है। बौधायन ग्रह सूत्र 2:7 शूलगभ का अर्थ ईश्वर करते हुए काठा ग्रह सूत्र के व्याख्याता देवपाल ने लिखा है कि इसमें प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री शूल पर पकाए गए गौ के अंश होते हैं। सांख्यायन ग्रह सूत्र 4:17-3 के अनुसार इसमें सांड का संज्ञापन नाक मुंह बंद करके पशु को मार ना करके रुद्र का यजन किया जाता है। धान के तूस और पशु की पूंछ खाल सिर तथा पैरों का अग्नि में होम किया जाता है और पशु के रक्त को सांपों के निर्मित अर्पित किया जाता है। अंत में एक बस्टा भावी शूलगभ के लिए छोड़ दिया जाता है। बौधायन ग्रह सूत्र के अनुसार अरण्य में स्थापित अग्नि में गौ की बर्फी चर्बी और मांस खंडों के सूलों पर भून कर ऐसे छोटे पात्रों में पकाया जाता है तथा अग्नि के भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न देवताओं के लिए निमित्त आहुतियां दी जाती है। अब बात करेंगे हम बलि प्रथा के बारे में।
गौपत ब्राह्मण के 3:18 में बताया गया कि बलि पशु के विकसित भाग को पाने का कौन कौन अधिकार है। उसके अनुसार जीव, गला, गंध और नितंब और टांगे पुरोहित के लिए हैं। यजमान पीठ का भाग लेता है, उसकी पत्नी पेंडू का भाग लेते हैं। तेरे ब्राह्मण में भी इसी प्रकार वर्गीकरण उपलब्ध है। शतपथ ब्राह्मण के 3:1-2:21 में पुरोहितों के इस पारस्परिक विवाद में मांस बैलों का खाना चाहिए या गाय का, याकलव निर्णय देते हैं कि दोनों में से जो नरम हो उसे खाना चाहिए। वेदों के एक पुराने भाष्यकार महिधर ने अपने भाष्य में लिखा है कि गौमेद यज्ञ में मारी गई गाय रक्त व हड्डी के दूध और कपूर बन जाते हैं। इसी यज्ञ प्रकार डालदेव संस्कृति एक विश्वकोश शब्द कल ध्रुव में लिखा हुआ है कि गाय का संपूर्ण प्रयोग बकरे की तरह होना चाहिए। गौमेद के फलस्वरूप यजमान को स्वर्ग और मृत गाय को गोलोक की प्राप्ति होती है। ऐसे भूषण खानों के आंगन जैसे खून और मांस से लथपथ पृष्ठ को देखकर भी अनदेखा कर देने वाले श्रद्ध वैदिक आदि यह सब हिंसा नहीं प्रत्युत अहिंसा ही है, क्योंकि वेद इसे कभी हिंसा नहीं कहते। हिंसा और अहिंसा का निर्णय वेद ही करते हैं। वह हिंसा जिसकी आज्ञा वेद दे या हिंसा यज्ञों में की जाती है वह हिंसा नहीं होती है। निरुक्त के प्रथम अध्याय में हमें एक और परस्पर विरोधी आत्मा लोक प्रशंसक बात पता चलती है कि वहां एक वेद विरोधी कहता है कि वेद और उसके विधान सदोष हैं, क्योंकि वह यज्ञ में पशु मारा जाता है तो वे मंत्र तब पढ़ा जाता है जब उसका अर्थ होता है, हे खंडक इस पशु को मत मार। इस आक्षेप का उत्तर देते हुए वेदों के मर्मज्ञास में लिखा हुआ है, अर्थात वेदों का आदित ऐसा है अतः यह अहिंसा ही है, यानी वे पशु को मार कर भी यही कहते हैं कि यह मरा नहीं, क्योंकि वेद उसे मरा हुआ नहीं कहते। उक्त स्पष्ट भाष करते हुए छज्जूराम शास्त्री विद्यासागर ने प्राचीन उक्ति उद्धृत की है, अर्थात जो कत्ल व गारत वेदों द्वारा बहते है उसे कत्ल या गारत नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा विद्या के भंडार और भारतीय दर्शन के आधार पर उपनिषद भी उसे कत्ल आम की शिक्षा देने से परहेज नहीं कर सकते। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ के 6:4-18 में देखें, अर्थात जो यह चाहे कि मेरा पुत्र स्वभाव में बागी और सब वेदों में पारंगत हो तथा सतायु हो, उसे दंपत्ति को चाहिए कि वे बैल व सांड का मांस पकाकर घी और भात